उसमें तीन थे, पोगोनियोन, गिनेथियोन एंड मेंटोन। ये तीनों बेटा बाइलेटरल वो है या यूनिलेटरल? यूनिलेटरल है, उसमें गलत लिखा हुआ है अगर मैंने गलती से लिखा है तो। कल मैं और डॉक्टर शिजा भी ये हाँ डिस्कस कर रहे थे, ये यूनिलेटरल मार्क्स हैं। जो भी आप लोगों के मिड लाइन स्ट्रक्चर्स होंगे ना जी मैम, वो जी मैम, यूनिलेटरल होते हैं। हाँ, क्योंकि वो लेक्चर में जैसे बायलेटरल थे तो इसलिए हाँ मैं भी हाँ हाँ कंफ्यूज हो हाँ गई थी। वो ओके उसमें जो है नेजियॉन, ANS, PNS, पॉइंट ए पॉइंट जी, बी, मेंटॉन, नेथियॉन और आपका पुगोनियन, अपोगनियन दीज सही। आर, हाँ दीज आर ऑल योर यूनिलेटरल, हाँ ओके मैम, थैंक यू। लैंडमार्क्स। जी मुझे करने दो, अरे रुको ना, मुझे कर, मैंने वो रख लगा रही हूँ। डॉक्टर तनाशा, आप भरे लेक्चर शुरू कर दें। थैंक यू सो मच। आयुष मतलब 25 हुए हैं अभी डॉक्टर शुजा। चलें फिर 2 मिनट रुक जाएं, बस 2 मिनट रुक जाएं, फिर ठीक है आप ठीक है, अपने 2 मिनट और शुरू कर लें, ठीक है? सही है ठीक है। अच्छा, आपने जो अभी बोला ANS, PNS, मेंटोन, नेजियॉन, पोगोनियन, गोनियन और गैनेथियन, ये यूनिलेटरल है राइट? गोनियन नहीं, गोनियन नहीं, जी, कौन कौन गोनियन इज बायलेटरल। देखें ऊपर से शुरू करें, नेजियन, ENS, PNS, पॉइंट ए पॉइंट बी, पोगोनियन, नेशियन एंड मेंटोन, सही दीज आर यूनिलेटरल लैंडमार्क्स। है। ठीक है, ये आपने क्या करा हुआ है? आवाज नहीं है, देखो म्यूट क्यों है आपका? रिकॉर्ड में आवाज आता है? हाँ ओके, आ रही है कि नहीं? बस जी 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 हमें आ रही है, क्लाइनली स्लाइड अली। कल प्रिंटर लेने गए। चले आप डॉक्टर सनाशा शुरू कर दें, 5 मिनट्स ऊपर चले गए हम। ठीक है मैं स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ठीक है, दिस इज माय लास्ट लेक्चर फ्रॉम ऑर्थोडॉन्टिक्स, एंड टुडे वी विल बी कवरिंग टू टॉपिक्स बेसिकली। वन ऑफ देम इज ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड अदर वन इज अ बिट अबाउट रिटेंशन। ठीक है, तो ट्रीटमेंट प्लानिंग हमने डायग्नोसिस पढ़ लिया कि किसी भी उसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग कैसे करते हैं,
तीनों के डायग्नोसिस में जब हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट प्लान बेस करता है हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, स्टडी मॉडल, फोटोग्राफ्स एंड रेडियोग्राफ्स, ठीक है, ये सारे हम लेते हैं। उसके बाद देन वील गो फॉर द हम ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद वी कंस्ट्रक्ट द ट्रीटमेंट प्लान। जी, ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, ओके, ठीक है। और अच्छा, ट्रीटमेंट प्लानिंग जब हम डिस्कस करेंगे, अब मेरा बताने का आपको मकसद ये है कि मैं जो ट्रीटमेंट प्लानिंग डिस्कस करूंगी, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3, ऐसे से हम स्टार्ट करेंगे। क्लास 2 में कि कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। क्लास 2 में जैसे स्पेसिंग होती है, क्राउडिंग है, डीप बाइट, ओपन बाइट, ठीक है, बायोमैक्स प्रोक्लिनेशन, बायोमैक्स रेटिक्लिनेशन, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। देन वील गो टुवर्ड्स द क्लास 2, देन वील गो टुवर्ड्स द क्लास 3, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाती जाऊंगी, बीच में से किसी को भी आपको कोई चीज समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी, सही है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास 1 मैलोक्लूजन में हम स्पेसिंग को डिस्कस करेंगे। स्पेसिंग कुड बी लोकलाइज एंड जनरलाइज, ठीक है। जर्नलाइज स्पेसिंग है, उसको हम कैसे कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले वी कैन ट्रीट इट विद लेबियल बोज, वी कैन ट्रीट इट विद इलास्टिक्स, वी कैन ट्रीट इट विद फिंगर स्प्रिंग्स और प्रोस्थीसिस, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा स्पेस है और आपको लग रहा है कि आप प्रोस्थीसिस दे सकते हैं और केस इजाजत दे रहा है इस हिसाब से कि प्रोस्थीसिस लगाई जा सके, तो आप स्पेस ओपन करके उसमें प्रोस्थीसिस दे सकते हैं, सही है। देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लोकलाइज स्पेसिंग, लाइक मिडलाइन डायस्टेमास, मिडलाइन डायस्टेमा अगर सिर्फ पेशेंट को है देन इट विल कम इन द लोकलाइज स्पेसिंग। जनरलाइज स्पेसिंग में पेशेंट को सारे दांतों में थोड़ी थोड़ी फिंगर्स, एंड देन वी कैन ट्रीट इट विद प्रोस्थीसिस। एंड अगर अगर आपकी जो है कैनाइन सब्स्टिट्यूशन, बेसिकली इन्होंने इसलिए बोला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट का लेटरल मिसिंग है, ठीक है, लेटरल मिसिंग है या लेटरल पैक शेप्ड है, तो हम उसकी एक्सट्रैक्शन करके, या अगर मिसिंग है तो वी कैन सब्स्टिट्यूट, हम कैनाइन को लेटरल में मिस सब्स्टिट्यूट करेंगे। और फिर हम लोग जो आपका फर्स्ट प्रीमोलर है उसको रीशेप करेंगे एस केनाइन, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट केनाइन सब्स्टिट्यूशन, इन केस इफ यू हैव मिसिंग लेटरल, ठीक है। देन वील टॉक अबाउट द क्राउडिंग। क्राउडिंग में माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, ये होती है। माइल्ड, अगर माइल्ड क्राउडिंग है देन व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव। वी हैव गॉट रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस विद लेबियल बो एंड स्प्रिंग्स सच एज जेड स्प्रिंग्स, फिंगर स्प्रिंग्स, फ्लैपर स्प्रिंग्स आफ्टर। अच्छा, और ये सारी चीजों से हम स्पेस तो हम लोग क्राउडिंग तो सही कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर माइल्ड क्राउडिंग है और आपको लग रहा है कि इन स्प्रिंग्स के बाद भी हमारी क्राउडिंग इतनी रिलीव नहीं होगी, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेन स्पेस फ्रॉम एक्सपेंशन और आईपीआर। आईपीआर इज इंटर प्रोक्सिमल रिडक्शन। उसमें आप क्या करते हो, मीजियो डिस्टल जो आपका दांत है आप उसमें थोड़ा सा उसे ट्रिम करते हैं, तो उससे भी हमें थोड़ी स्पेस मिलती है। हर दांत को एक एक साइड से, लाइक मीजियली हमने 0.25 mm ट्रिम किया, डिस्टली एक दूसरे साइड पे हमने 0.25 ट्रिम किया, तो एक दांत से हमें 0.5 mm तक की स्पेस मिल जाती है विद आईपीआर, सही है। तो दैट कुड बी द ऑप्शन। आईपीआर से भी हमको स्पेस मिलती है, ठीक है। देन वी इफ वील टॉक अबाउट द मॉडरेट क्राउडिंग। मॉडरेट क्राउडिंग हम लोग इन रिमूवेबल, जो मैंने अप्लाइंसेस के आपको नाम बताए हैं, इससे भी आप करेक्ट कर सकते हो। यू कैन ट्रीट इट विद द फिक्स्ड अप्लाइंसेस। सिवियर क्राउडिंग, ठीक है, इट इज ऑल डेल्ट बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट प्रीमोलर्स, ठीक है। मैम जी जी मैम आईपीआर से पेशेंट को सेंसिटिविटी नहीं होती? सेंसिटिविटी इतनी नहीं होती है, 0.25, 0.25 जो है ना वो लिटरेचर और रिसर्च में भी पब्लिश्ड है कि उससे आप
मतलब दैट इज अ वेरी सेफ अमाउंट टू डू आई, मतलब आप उससे थोड़ी बहुत तो डी सेंसिटिविटी होगी फॉर लाइक 3-4 डेज, बट आई गेस उसके बाद जो है उसके बाद पेशेंट को एक्सपीरियंस नहीं होता है, सेंसिटिविटी का इशू नहीं होता, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट एंड इस इतनी आईपीआर जो है वो कोई इशू नहीं करती है पेशेंट को. मैम तो फिर मोर प्रोन टू कैरीज हो जाएगा ना. नहीं पावर कम है. देखें देखें अगर आप ओवरऑल होता है 0.33 mm, अगर आप इससे बढ़ाते हैं ना तो आपका दांत जो होता है वो प्रोन टू कैरीज होता है. सही है. यू आर जस्ट स्टिकिंग योरसेल्फ के जो मीजियली और डिस्टली दोनों आप 0.25 ही करो, इससे ज्यादा अगर आप करोगे तो जाहिर सी बात है चांसेस होते हैं कैरीज के भी होते हैं, प्लाक अक्यूमुलेशन के भी होते हैं. ठीक है, तो 0.25 तक अगर आप कर रहे हो दैट इज द सेम अमाउंट ऑफ आईपीआर, सेफ अमाउंट ऑफ आईपीआर. ठीक है, 0.25 दोनों साइड पे. जी जी, तभी एक दांत आपको उससे आपको आईपीआर करने से आपको 0.5 स्पेस मिलती है, 0.5 mm. सही है. जी जी जी, ओके. ठीक है. अच्छा, सिवियर क्राउडिंग हम कैसे डील कर रहे थे? वील डील बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट प्रीमोलर. ठीक है. देखें अगर हम लोग देखते हैं कि काफी केसेस में आप देखें आप बोलें कि यू नो वी कैन गो फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकंड प्रीमोलर एज वेल, हमेशा हमेशा इवन ट्रीटमेंट प्लान करते वक्त भी आपको एक दो चीजों का आपने ख्याल रखना होता है. अगर आपको क्राउडिंग, एंटीरियर क्राउडिंग रिलीव करनी है तो यू हैव टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट प्रीमोलर. ठीक है, अगर एंटीरियर क्राउडिंग आपने रिलीव करनी है, एंटीरियर को आपने पीछे लेके जाना है तो यू हैव टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट प्रीमोलर. ठीक है, लेकिन अगर आपने अपना मोलर रिलेशनशिप किसी मैलक्लूजन में सिर्फ सही करना है, क्राउडिंग नहीं है, यू जस्ट वांट टू या पोस्टीरियर क्राउडिंग है तो यू कैन यू विल गो फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंड प्रीमोलर. समझ आया आप लोगों को? अगर एंटीरियर क्राउडिंग है तो कौन सी एक्सट्रैक्शन? सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर. ओके, इन एंटीरियर. अगर एंटीरियर उसका मैं आपको एग्जैक्टली उसका मैं आपको रीजन बताती हूँ कि जब आप फर्स्ट प्रीमोलर एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसका तो इफेक्ट जाता है आपके एंटीरियर्स पे, लेकिन अगर आप सेकंड प्रीमोलर एक्सट्रैक्ट करते हैं चाहे आप जितनी भी एनकरेज दे दें ये है वो है, फिर भी ज्यादा आपको जो फायदा मिलता है वो पोस्टीरियर क्राउडिंग को रिलीव करने में आपको ज्यादा फायदा मिलता है, या आप मोलर रिलेशनशिप उसको ज्यादा आसानी से सही कर सकते हैं. सही है, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. सही है, ठीक है. okay. हमने कहा कि अगर सेवियर क्राउडिंग है देन वी हैव टू गो फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट प्रीमोलर, देन वील रिट्रैक्ट द केनाइंस, वील अलाइन द एंटीरियर टीथ fix prosthodontics and we'll give the retention by Hollis. Hollis is a removable retainer. ठीक है, अभी तक आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि Hollis basically वही होता है जो हम लोग final year में नहीं बनाते थे, labial bow with posterior Adam's clasp. That is basically simple type of Hollis retainer. सही है. एक मिनट, next. Then we have got rotations. Class 1 में हमारे पास rotations भी हो सकती हैं. Can be corrected by using removable appliances with the help of flapper springs, double cantilever and a labial bow. They can also be corrected by using semi-fixed appliances such as whip springs or high labial bow with solder T springs. In case of multiple rotations, it should be treated with fixed appliances using elastic threads and elastic modules. सही है, रिटेंशन शुड बी प्रोलॉन्ग्ड ड्यू टू इलास्टिक रिकॉइल ऑफ जिंजाइवल फाइबर्स, पैरासिशन इज यूजुअली रिक्वायर्ड. अब रोटेशन में सबसे पहली बात जो आपकी बुक्स में फाइनल ईयर लेवल तक इन्होंने कुछ अप्लायंसेस बताए हैं कि कुछ आप रिमूवेबल अप्लायंसेस से भी आप लोग सही कर सकते हैं, लाइक फ्लैपर स्प्रिंग्स, डबल कैंटिलेवर एंड ऑल दीज अप्लायंसेस. सही है, लेकिन इट इज अगर आपकी मल्टीपल रोटेशन है तो इट इज बेटर दैट यू शुड ट्रीट इट विद fixed appliances, जो conventional ortho treatment होता है with braces and all that. ठीक है,
उसके बाद आप इन्होंने ये बताया बताया कि इसमें रिटेंशन, अगर कोई भी कि कभी भी ये आप पढ़ो कि किसी केस में रिटेंशन मतलब रोटेशन हुई भी है एंटीरियर में या लोअर, जैसे ये लोअर इंसाइजम इसमें रोटेटेड है, तो हमेशा इन केसेस में आप जो मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग हमेशा इसमें रिटेंशन जो दोगे वो फिक्स्ड दोगे। क्यों देते हो उसका रीजन है क्योंकि जो जिंजाइवल फाइबर्स है ना, इनकी रीऑर्गेनाइजेशन में आराम से इट टेक्स सम टाइम्स। सुप्राक्रेस्टल फाइबर्स को 3 मंथ्स लगते हैं, जिंजाइवल फाइबर्स को 6 मंथ्स लगते हैं, जो अदर पेरोडोंटल फाइबर्स है उनको 8 to 9 months लगते हैं। इस वजह से वी ऑलवेज गो फॉर पेरिसेशन इन दोज केसेस। अगर एक्सट्रीम रोटेटेड दांत है आपका, उसमें आप पेरिसेशन करोगे, और दूसरा यूल ऑलवेज गो फॉर द प्रोलॉन्ग रिटेंशन इन दोज केसेस। समझ आया आप लोगों को मेरी बात? रिटेंशन के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, अगर रिटेंशन से रिलेटेड कोई सवाल है तो वी कैन स्किप इट फॉर नाउ। Can we move forward? Yes, ma'am. ठीक है। Then we have got biomax proclination. What is basically biomax proclination? आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट है? What is biomax proclination? अगर किसी को है थोड़ा बहुत मुझे बताए। बायोमेट्रिक बेटा मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। क्लास वन कैनाइन रिलेशनशिप और क्लास वन मोलर रिलेशनशिप। ठीक है, बायोमेक्स में ये लेकिन है कि आपके एंटीरियर्स, मैक्सिलरी एंटीरियर्स एंड लोअर एंटीरियर्स प्रोक्लाइन होते हैं। ठीक है, और कोई बताना चाहते हैं? या आप लोग सहमत हैं इनकी आंसर से? ठीक है, अब ये है, बिल्कुल उन्होंने सही बताया। बायोमैक्स प्रोक्लिनेशन में बेसिकली यही होता है कि आपके अपर टीथ और लोअर टीथ एंटीरियर प्रोक्लाइन होते हैं, ठीक है? दैट इज बेसिकली बायोमैक्सिलरी प्रोक्लिनेशन। दोनों आपके आर्चेज में प्रोक्लिनेशन है, ठीक है? इन दीज केसेस द प्रोफाइल इज यूजली कॉन्वेक्स। इन्होंने बताया कि पेशेंट की यूजुअली प्रोफाइल ऐसे उसमें कॉन्वेक्स आती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट प्रीमोलर्स और मोलर्स, यूजली इट्स प्री मोलर्स, ठीक है? मोलर्स आप उन सूरतों में आप करते हैं एक्सट्रैक्ट जब आपको लगता है कि मोलर आपका थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है, या उसकी आरसीटी हुई हुई है, या आप उसे सेव नहीं कर सकते, ओनली देन यू विल गो फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मोलर, ठीक है? वरना हमेशा याद रखना, कुछ भी हो जाए, बायोमैक्स प्रोक्लिनेशन का आइडियल प्लान इज ऑल फर्स्ट प्री मोलर एक्सट्रैक्शन, क्योंकि उसमें केनाइन, इंसाइजर, मोलर सारे रिलेशनशिप वन में होते हैं। इसलिए यू हैव यू ऑलवेज 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 गो फॉर ऑल फर्स्ट प्री मोलर्स। अपर लोअर चारों प्री मोलर्स आपने फर्स्ट निकालने होते हैं, ठीक है? डॉक्टर सना, आई एम रियली सॉरी, मेरे आपका थोड़ा इशू हो गया। पूछना है, आई एम सॉरी फॉर दिस। जी जी कैन आई टॉक प्लीज, कैन आई टॉक प्लीज। जी 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 हाँ, मुझे ये पूछना कि बायोमैक्स प्रोक्लाइनेशन में सिर्फ अपर और लोअर प्रोक्लाइन हो गए, बाकी सारे आपने कहा कि मोलर वोलर ये सब क्लास वन रिलेशनशिप में होंगे, एम आई राइट? क्लास वन एग्जैक्टली, क्योंकि लोअर भी आ गए अपर भी आ गए ना। क्लास जी जी वन जी भी थैंक यू। कैनाइन भी आपका वन में होगा, मोलर भी आपका वन में होगा, इंसाइजर लेके आपका जो जो दांत है ना, दोनों वो प्रोक्लाइन होंगे अपर और लोअर जॉ के। अपर अपर और लोअर आर्च में जो आपके एंटीरियर्स हैं वो आपके प्रोक्लाइंड होंगे। दैट इज बेसिकली बायोमैक्स प्रोक्लिनेशन। और पिछली पिछली ही स्लाइड्स में मैंने आपको बताया, अगर एंटीरियर आपकी बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, इवन बायोमैक्स प्रोक्लिनेशन भी क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमारी हड्डी है, जो बेजल बोन है, आर्च है, उसमें इतनी जगह नहीं थी कि इतने बड़े दांत अकोमोडेट हो पाए। देन यू हैव टू गो फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट प्रीमोलर, बिकॉज अगर आप इतना इफेक्ट नहीं पड़ता टू ट्रीट द बायोमैक्स प्रोक्लिनेशन, वो प्रोक्लिनेशन को ट्रीट करने में इतना फायदा नहीं देता। जी 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 तो मतलब हमारे पास जो इंसाइजर केनाइन और मोलर रिलेशनशिप है तीनों क्लास वन में होंगे, बस जो आपके हमारे लोअर और अपर इंसाइजर्स प्रोक्लाइंड होंगे। जी एग्जैक्टली ओके मैम। ठीक है,
इफ द रूट्स, अच्छा अब एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है, और मोलर्स कैन बी मैनेज बाय रिमूवेबल और फिक्स्ड अप्लाई आता है कि एक्सट्रैक्शन केसेस आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप लोग इसमें यही समझो कि हमेशा एक्सट्रैक्शन केसेस आप लोग उसे डील फिक्स्ड अप्लायंसेस से ही करो, ठीक है. इफ द रूट्स ऑफ केनाइन आर डिस्टली इंक्लाइंड देन द केस कैन बी ट्रीटेड विद रिमूवेबल अप्लायंसेस बाय रिट्रैक्टिंग द केनाइन, aligning the incisors and later put the patient on the retainer. ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर canine की roots, ये according to your level of books की बात हो रही है, ठीक है, कि अगर आपके canines की जो roots हैं, वो root है वो distally inclined है, तो फिर भी आपके पास option है कि आप इसे removable उससे कर सकते हो. लेकिन अगर आपके canines की root ही mesially inclined है, तो जाहिर है आपको canine को अपनी space में लेके जाने के लिए उसे bodily move करवाना पड़ेगा. एंड हमने पहले भी यही पढ़ा था कि bodily movement removable appliances से नहीं कंप्रेहेंसिव ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट या फिक्स्ड अप्लायंसेस ही आपको नीड होंगे टू मूव द टीथ इन अ टूथ इन अ बॉडी मोशन. ठीक है, समझ आया या फिर से रिपीट करूं? समझ आ गया. वी हैव टू यूज फिक्स्ड अप्लायंसेस फॉर बॉडीली मूवमेंट, राइट? एग्जैक्टली. हमेशा ये याद रखो कि रिमूवेबल अप्लायंसेस से सिर्फ टिपिंग होगी, ठीक है. माइनर जो मूवमेंट्स होती है वही होती है. बॉडीली मूवमेंट हमेशा आप बॉडीली है या टॉर्किंग है, वो सारी चीजें आपका फिक्स्ड अप्लायंसेस ही करेगा, ठीक है. इन्होंने सिर्फ एक पॉसिबिलिटी दी है कि अगर कैनाइन की रूट थोड़ी सी आपको लग रहा है डिस्टली है और आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, तो आप यू कैन ट्रीट इट विद रिमूवेबल अप्लायंसेस, बट इट्स बेटर अगर आप लोग डिटेल में जाएंगे ऑन अ वेरी प्रोफेशनल लेवल, तो इट always always extraction cases are deal with fixed appliances. ठीक है, then yes, then bimax retrusion. Bimax retrusion or retroclination is basically जैसे उसमें बताया गया था कि सारे आपके anteriors procline है, upper के भी lower के भी. इसमें क्या होता है, अपर और लोअर के जो एंटीरियर्स हैं वो रेट्रोक्लाइन होते हैं, तो हाउ कैन वी ट्रीट देम? वी कैन ट्रीट देम बाय प्रोक्लाइनिंग द टीथ बाय फिंगर स्प्रिंग्स और एक्सपेंशन स्क्रूज. देयर आर मल्टीपल एक्सपेंशन स्क्रूज भी हैं हमारे पास, एक्सपेंशन डिवाइसेस भी हैं जिनसे हम एंटीरियर्स को थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं या प्रोक्लाइन कर सकते हैं, और यू कैन यूज फिंगर स्प्रिंग्स. अब ये मतलब ये हुआ कि हमने जो है टिपिंग मूवमेंट करवानी है, तो इसमें क्योंकि इसमें में टिपिंग करवानी है, फिंगर स्प्रिंग और एक्सपेंशन स्क्रूज तो वो रिमूवेबल अप्लायंसेस होते हैं ना. यस यस आई गेट दैट, थैंक यू. कौन सा ठीक है, ठीक है, ये वाला वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? जी जी, देखें बेटा, बायोमैक्स प्रोक्लिनेशन तक आपको बात समझ आई? ठीक है, बायमैक्स रेट्रोक्लिनेशन रिट्यूजन इज बेसिकली कि आप सारे रिलेशनशिप हमारे वन में, लेकिन अपर इंटीरियर्स और लोअर एंटीरियर्स की जो इंक्लिनेशन है वो कम है, मतलब वो उनकी जितनी टिपिंग होनी चाहिए फॉरवर्ड वो नहीं हुई हुई है, वो बिल्कुल रेट्रोक्लाइन हुए हुए, अपर भी टीथ और लोअर भी, एंटीरियर की बात हो रही है, ठीक है. तो उनको हम सही कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी टिपिंग कम हुई हुई है, हमें उनकी टिपिंग बढ़ानी है, तो वी कैन यूज ईदर फिंगर स्प्रिंग्स और एक्सपेंशन स्क्रूज. तो टिपिंग के लिए हम रिमूवेबल अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं ना? तो फिंगर स्प्रिंग इज रिमूवेबल ना? रिमूवेबल अप्लायंसेस, यही मैं कह रही हूं, मतलब ये इनसे इसी हो जाएगी. जी ठीक है, अब आगे चले. ठीक है, देन वी हैव गॉट डीप बाइट्स. ठीक है, अब इस बात में इसमें आप लोगों का एक बहुत कॉमन बीसीक्यू आता है, आप लोगों ने अगर पास्ट पेपर्स खोले होंगे, हाउ कैन वी, डॉक्टर शुजा आप प्लीज वो बीसीक्यू रिपीट करेंगे? मेथड्स ऑफ बाइट ओपनिंग इंक्लूड, जिसमें एक्सट्रूजन ऑफ पोस्टीरियर. एग्जैक्टली, बाइट ओपनिंग. अब आप बोलेंगे इसमें तो डीप बाइट का जिक्र ही नहीं है. अब आप ये देखो, बाइट ओपन करने का मकसद ये है कि बिल्कुल क्लोज्ड बाइट है,
जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यू कैन नॉट सी द लोअर्स, अपर्स ने बिल्कुल उनको ओवरलैप किया हुआ है लोअर्स को, सही है। ओपन करने का मकसद ही यही है कि पेशेंट की बाइट इतनी डीप है कि यू हैव टू ओपन द बाइट, मतलब आपको जो डीप बाइट है आपको उसे करेक्ट करनी है, जो वर्टिकल ओवरलैप है उसे सही करना है, ठीक है। उसमें आप लोगों के एक उसमें एक ऑप्शन था एक्सट्रूड, हमेशा ये बात याद रखो डीप बाइट में यू विल एक्सट्रूड द पोस्टीरियर्स एंड इंट्रूड द लोअर एंटीरियर टीथ, सही है। ये आपका बीसीक्यू आया हुआ है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बीसीक्यू का आंसर यही है, एक्सट्रूजन ऑफ पोस्टीरियर और इंक्लूड करेंगे आप लोअर एंटीरियर्स को। जी हेलो जी जी मैम, वो जो पिछली स्लाइड थी मुझे उसमें से एक सवाल पूछना जी था। जी 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 ये जैसे थंब सकिंग की वजह से या क्लेफ्ट पैलेट की वजह से मैक्सिला नैरो हो जाता है, तो उसकी वजह से जाहिर है मैंडिबल भी उसमें इंक्लूड करता है, तो क्या मैंडिबल की ग्रोथ भी रुक जाती है उसकी वजह से? आप मुझसे जनरली ये सवाल पूछ रहे हो या वैसे पूछ रहे हो? बेटा जब थंब सकिंग की पेशेंट को हैबिट होती है ना, दिस इज अ बिट ऑफ टॉपिक लेकिन चलो मैं आपका आंसर करती हूँ। जब थंब सकिंग की किसी पेशेंट को हैबिट होती है ना किसी बच्चे को, तो उसका मैक्सिला नैरो होता है, एग्जैक्टली आपका मैक्सिला वी शेप्ड होता है, डीप पैलेट होता है, उसमें बेसिकली जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट के पेशेंट होते हैं ना, देखो थंब सकिंग इज अनदर केस, क्लेफ्ट लिप और पैलेट इज अनदर केस, यू कैन नॉट इंटर रिलेट दीज टू थिंग्स। First you have to tell me whether we are talking about किसी का growth यानी कि retard हो गया है किसी भी वजह से, ठीक है, तो उसको हम कैसे वो अक्सर देखें वो ज्यादातर होता है class 2 div 1 के cases में, जहाँ patient के आपको incisors procline मिलेंगे, उसमें thumb sucking की habit होगी, और वो thumb क्योंकि उन्होंने ऐसे रखा हुआ होता है ना, upper incisors procline होते, lowers थोड़े retrocline होते, और वो मैंडिबल की उसकी थंब की ऐसी पोजीशन होती है ना कि मैंडिबल आगे ग्रो नहीं कर पाता, तभी योर मैंडिबल इज शॉर्ट इन क्लास 2 डिव 1 केसेस अगर थंब सकिंग है पेशेंट में तो। जी मैम, लेकिन डॉक्टर सना मैंडिबल भी किसी का होता है ऐसा, मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाए, रिटार्ड हो जाए या वो रिट्रोग्रेड हो जाए? किस केस में आप बात कर रहे हो? किसी भी जैसे क्लेफ्ट पैलेट की वजह से या वैसे ही माइक्रोग्नेथिया? नहीं नहीं नहीं, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट में हमेशा आप, क्योंकि क्लेफ्ट लिप और पैलेट में बेसिकली आपको इशू तो मैक्सिलरी उसमें है ना, है मैक्सिला में, मैंडिबल सही ग्रो कर रहा होगा, आपका मैक्सिला जो है वो मैंडिबल के मुताबिक सही ग्रो नहीं कर रहा होता, सो योर मैक्सिला राइट है, फिर वो तो ऐसे ही है ना कि मैक्सिलरी जो बेटा दैट इज नॉट रिलेटेड टू, दैट इज नॉट रिलेटेड टू क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, सीजर बाइट। नहीं, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का सवाल नहीं है मेरा, मैंडिबल की ग्रोथ के ऊपर सवाल है। देखो मैंडिबल मतलब दोनों तरफ से जो मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ है वो मतलब ऑक्लूड ही नहीं कर रहे होते, मतलब लेबियल साइड, ठीक है, लिंगुअल लिंगुअल क्रॉस बाइट होती है, जी जी बिल्कुल, उसमें आपका मैंडिबल ही शॉर्ट है। जी मैम, मतलब मैंडिबल शॉर्ट होता है ना काफी केसेस में? हाँ हाँ हाँ, वो तो क्लास 2 में देखो ना, क्लास 2 की हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, क्लास 2 आपका मैक्सिलरी प्रोग्नाथिज्म की वजह से भी हो सकता है, मैंडिबुलर रेट्रोग्नाथिज्म की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, तो एक्सट्रीमली अगर आप जी रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन या स्लो मैक्सिलरी एक्सपेंशन या और भी काफी सारे तरीके हैं मैक्सिला को, ठीक है ठीक है, लेकिन जी जी बिल्कुल, मैंडिबल के लिए क्या तरीका है कि उसकी ग्रोथ हम मतलब एक्सेलरेट, अगर ग्रोथ देखें सबसे पहली बात हम ये देखेंगे, या आगे मैं आपको बता देती लेकिन आपने अभी मुझसे सवाल पूछा है, देखो अगर ये डिपेंड करता है, याद होगा आप लोगों को मैंने लेक्चर्स में शुरू में ही कहा था, योर ट्रीटमेंट प्लानिंग डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पेशेंट एंड द सिवियरिटी, ठीक है, अगर पेशेंट ग्रोइंग एज में है तो यू कैन यूज मायोफंक्शनल अप्लायंसेस, अगर पेशेंट ग्रोइंग एज में नहीं है वी हैव गॉट सर्टन सर्जिकल प्रोसीजर्स लाइक बीएसएसओ एडवांसमेंट, बायलेटरल सजाइटल स्प्लिट ऑस्टियोटोमी हम करते हैं टू एडवांस द मैंडिबल फॉरवर्ड एंड टू रिलीव दैट क्रॉस बाइट और सीजर्स बाइट, व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू आस्क। यस मैम,
मैम इसमें तो हम मैंडिबल की ग्रोथ करवाते हैं, लेकिन अगर सीजर बाइट है किसी की, उसकी फिर क्या ट्रीटमेंट है? बेटा वो तो फिर आपको कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट्स के ऊपर जाना पड़ेगा ना. वो वी हैव गॉट डिफरेंट ऑप्शंस. वी हैव गॉट इलास्टिक्स, वी हैव गॉट क्रॉस इलास्टिक्स, वी कैन गो फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अदर मेथड्स एज वेल. वो बहुत सारे, वो सीजर्स बाइट का मैं आगे डिस्कस करूंगी. आई डिस्कस इट. ठीक है. डीप बाइट में आप लोग हम लोग कहाँ थे? बेसिकली आई वाज टेलिंग यू अबाउट दैट बीसीक्यू जो डॉक्टर शुजा ने भी आप लोगों को बताया. वो एज इट इज यहीं से उठाया गया है कि बाइट आप ओपन कैसे कर सकते हो. फॉर दैट यू हैव टू एक्सट्रूड द प्रोस्टीरियर्स एंड इंक्लूड द लोअर एंटीरियर टीथ. ठीक है. अब डीप बाइट को करेक्ट करने के लिए दो आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं. ठीक है. अगर आप देख रहे हो इन इन द ग्रोइंग फेस हाइट, लो फ्रैंकफर्ट मैंडिबुलर प्लेन एंगल, The anterior bite plane is the treatment of choice. सही है. अब दूसरा मैं सेंटेंस पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी. इन द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज लोअर फेस हाइट, फर्स्ट सेंटेंस में क्या था कि लोअर फेस हाइट डिक्रीज थी, तो इन्होंने कहा आप एंटीरियर बाइट प्लेन आप यूज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमारा हो सकता है. ठीक है. लेकिन अगर पेशेंट की ऑलरेडी फेशियल हाइट लोअर, तो ये बात आप हमेशा याद से केस कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा. क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा? क्योंकि अगर आप उसका बाइट प्लेन, एंटीरियर बाइट प्लेन दोगे, जाहिर सी बात है पोस्टीरियर अक्लूड नहीं करेंगे, पोस्टीरियर और एक्सट्रूड होंगे और आपकी फेस हाइट और बढ़ेगी. ये पॉइंट प्लीज फिर से बता देंगी. जी 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 श्योर. देखो इन्होंने कहा कि अगर आपकी फेस हाइट कम है ना किसी पेशेंट की, ठीक है, ऑलरेडी फेस हाइट छोटी है किसी पेशेंट की, ठीक है, तो आप अगर एंटीरियर बाइट प्लेन देते हैं. एंटीरियर बाइट प्लेन का बेसिकली क्या है कि आपका बाइट प्लेन एंटीरियर टीथ पे होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, फंक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो रहा होता है कि पोस्टीरियर जो होते हैं आपके एक्सट्रूड हो रहे होते हैं. सही है. यहां तक बात समझ आई? ठीक है. तो ये हमारे यहाँ, तो देखो ये उन केसेस में तो हमारे लिए फेवरेबल है जहां पे पेशेंट की फेस हाइट ही कम है. क्योंकि जब आपके, हमेशा ये बात याद रखो, जब मोलर्स आपके एक्सट्रूड होंगे, आपकी फेशियल, पेशेंट की फेशियल हाइट बढ़ती है. ठीक है. अच्छा मुझे मेरी बात सुने, जब डीप बाइट होती है पेशेंट की, तो उसमें फेस हाइट वैसे ही कम होती है ना पेशेंट की? हमेशा ऐसा नहीं होता. नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता. ठीक है. अब अगर किसी पेशेंट में आप कह रही हैं जब फेस हाइट कम नहीं है और डीप बाइट है, तो उसमें हम लोग एंटीरियर बाइट में नहीं देंगे. उसमें आप क्या करोगे, आपके पास मल्टीपल मैकेनिक्स हैं, आप खैर कन्वेंशनल ऑर्थो में जाएंगे बेसिकली, लेकिन यू कैन यूज, अगर आप जे हुक्स दे सकते, you can use multiple pull headgear or fixed appliances. There are multiple options, लेकिन basically वो fixed appliances से ही आप सही करोगे. Vertical pull headgear भी आप use कर सकते हो, लेकिन उसका इतना effect होगा या नहीं होगा, that is a very questionable thing. लेकिन ये options हैं सिर्फ. मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि you should be knowing कि अगर patient को deep bite है, अगर आपका facial height छोटी है, तो आप एंटीरियर बाइट प्लेन दोगे. अगर फेशियल हाइट ज्यादा है, देन डीप एंटीरियर बाइट प्लेन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, देन यू हैव टू गो फॉर ईदर फिक्स्ड अप्लायंसेस और जे हुक्स और वर्टिकल पुल हेड गियर्स. अच्छा, दूसरा मुझे क्वेश्चन पूछना था. एक सॉरी, एक मिनट मैं पूछूं प्लीज. जी, आपने जो बताया था मेथड्स ऑफ बाइट ओपनिंग, उसमें आपने बताया था कि हम पोस्टीरियर्स को एक्सट्रूड करेंगे और एंटीरियर लोअर जो है उनको हम इंक्लूड करेंगे, राइट? जी जी जी. अब जो एक्सट्रूड करेंगे पोस्टीरियर, तो वो अपर लोअर बोथ? लोअर्स. लोअर्स को आप एक्सट्रूड करोगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी ना. हमें बाइट ओपन करनी है बेसिकली. अच्छा, देखो ऐसे भी केसेस होते हैं कुछ कुछ में जहां पे आप इंट्रूजन अपर एंटीरियर्स की कराते हो. फिर वही बात है, वो बहुत डिस्कशन डिटेल में चली जाएगी. वो उन केसेस में होता है जब हम डीप बाइट देख रहे होते हैं ना, हम लोग पेशेंट की
स्माइल एट रेस्ट देखते हैं, स्माइल और स्माइल मतलब जब वो प्रोफाइल एट रेस्ट देखते हैं, प्रोफाइल विद स्माइल देखते हैं, हम टीथ शो हम देखते हैं कि वो एक्चुअली कितना है स्माइल के टाइम और रेस्टिंग के टाइम। अगर हमें लगता है कि उसका जो जिंजाइवल शो है या गम शो है या जो डेंटल आपके दांतों का जो बेसिकली गम शो या डेंटल शो सही है, तो हम लोअर्स की वो करते हैं बेसिकली इंट्रूजन करवाते हैं डीप बाइट में। लेकिन अगर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है जिनमें आपने देखा होगा जिनको जिनकी गमी स्माइल होती है, ठीक है, उनके गमी स्माइल में ऐसे केसेस में अगर डीप बाइट है या ऐसा कोई सीन है, तो उनमें यू ऑलवेज गो फॉर द इंट्रूजन ऑफ अपर टीथ। लेकिन ये बहुत आप लोगों के लेवल से बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए मैंने इस चीज को मेंशन exactly, नहीं, तो इसको हम नहीं करें ना, क्योंकि नहीं 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 गुजर रही है, सर से ऊपर से गुजर रही है, तभी मैंने ये चीज मेंशन की। बस ठीक है, सही है, ओके फाइन, ये इग्नोर कर देना है ना, ओके थैंक यू। एंटीरियर बाइट प्लेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही है ना कि वो एक्सट्रूड करता है पोस्टीरियर को और इंट्रूड करता है, राइट? वो देखें, एंटीरियर बाइट प्लेन बेसिकली काम सिर्फ आपके एंटीरियर्स की को जो है फर्दर एक्सट्रूड होने से रोक रहा होता है या इंट्रूड करा रहा होता है। पोस्टीरियर पे उसका ऐसे इफेक्ट पड़ता है कि आपके पोस्टीरियर, क्योंकि बाइट प्लेन की वजह से आपके पोस्टीरियर तो अक्लूड ही नहीं हो रहे ना, जब अक्लूड नहीं होंगे तो आपके एल्वुलर कंपनसेशन जो नेचुरल फिनोमेना है उसकी वजह से होगा क्या पोस्टीरियर का एक्सट्रूड होंगे ना, आप देखें जब भी इवन एक्सट्रूड होंगे पर ये नेचुरल फिनोमेना के थ्रू होंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उसको एल्वुलर कंपनसेशन बोलते हैं, जो जी, जैसे जी, वेयर जी, में जी, हम लगाते हैं। एग्जैक्टली 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 बिल्कुल ठीक है, आगे चलिए, समझ आ गया डीप बाइट आप लोगों को? जी मैम, कुछ सवाल था विद्या मेरे। जी 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 बिल्कुल बेटा, जैसे आपने बताया जिसमें फेशियल हाइट बड़ी हुई होती है तो उसमें हम एंटीरियर बाइट प्लेन नहीं देते, उसकी वजह यह है कि क्योंकि मोलस जो होते हैं वो एक्सट्रूड होना शुरू हो जाते हैं ज्यादा और फेशियल हाइट बढ़ जाती है। जी ठीक है, तो मैम जैसे आपने कहा हेड पुल जो होता है वर्टिकल हेड पुल, उसका तो वर्क यही होता है कि मोलस को मेरे ख्याल से इंक्लूड करता है अपर मोलस को, बिल्कुल, तो मैम इससे तो डीप बाइट और बढ़ जाएगी ना? नहीं, उसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ होता है वर्टिकल पुल हेड गियर बेसिकली यूज किया जाता है, फिर ये उस डिटेल में बात जाएगी, आपके मोलस को इंट्रूड करता है एंड वी आर यूजिंग जे हुक्स फॉर द करेक्शन ऑफ डीप बाइट। पूरा सेंटेंस पढ़ो। तो मैम बात तो वही घूम फिर के वही आती है ना, एंटीरियर बाइट प्लेन भी वही करता है। क्या कह रहे हो आप? मतलब कि एंटीरियर बाइट प्लेन भी फेशियल हाइट बेटा, एंटीरियर बाइट प्लेन आपका जो मसला है उसे और एग्रीवेट कर रहा है, आप ये समझो ऑलरेडी हाइट इंक्रीज्ड है, मैं अगर बाइट प्लेन दे दूंगी और मोलर एक्सट्रूड होंगे और बाइट डीप जाएगी। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आप मुझे बताओ आपको कौन सी चीज जो है मेरी बोलने में समझ नहीं आ रही, ताकि मैं उसे क्लैरिफाई, आप सबको बाकियों को समझ आई है जो मैं कहना चाह रही हूँ? मैम बस ये समझाते हैं कि अगर फेशियल हाइट बढ़ी हुई है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। बेटा फेशियल हाइट जब बढ़ी हुई होती है, वी हैव गॉट मल्टीपल ऑप्शंस टू करेक्ट द फेशियल हाइट, ठीक है, सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास वी हैव गॉट वर्टिकल पुल हेड गियर, ठीक है, वो फेशियल हाइट को डिक्रीज करने के काम आता है, देन वी कैन गो फॉर द फिक्स्ड ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट, ठीक है, वी कैन गो फॉर द इंट्रूजन ऑफ एंटीरियर टीथ बाय जे हुक्स, ठीक है, लेकिन मेन इन सब चीजों को बताने का मकसद ये है कि यू शुड मतलब एंटीरियर बाइट प्लेन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, आप अगर उसे ऑलरेडी हाई एंगल केस में या सॉरी अगर लोअर फेशियल हाइट किसी पेशेंट की ज्यादा है या जिसका हाई एफएमए एंगल है उसमें आप एंटीरियर बाइट प्लेन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, वो नहीं दोगे। okay. ये सिर्फ आप चीज याद रख लो कि अगर लोअर फेस हाइट है पेशेंट की तो आप उसमें एंटीरियर बाइट प्लेन देंगे, अगर नहीं है देन यू हैव टू वी हैव गॉट अदर ऑप्शंस, वी हैव गॉट फिक्स्ड ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट, वी हैव गॉट वर्टिकल पुल हेड गियर एंड ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं।
क्लियर हुआ या और इसको फर्दर मैं क्लियर करूं? नहीं नहीं बस नहीं ठीक है जी। देन वी हैव गॉट ओपन बाइट। ओपन बाइट की वी हैव गॉट टू क्लासेस लाइक एंटीरियर ओपन बाइट एंड द पोस्टीरियर और लेटरल ओपन बाइट्स। एंटीरियर ओपन बाइट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले तो ये कॉज हमें जानना होता है कि देखा जाए कि किस वजह से एंटीरियर ओपन बाइट है ना। इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल हैबिट तो सबसे पहले तो आपने उसको रिमूव करवाना है, ठीक है। अगर वो नहीं है देन अगर वो भी रिमूव हो गई है या वो नहीं है देन व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव? वी हैव गॉट ओरल स्क्रीन इन केस ऑफ स्केलेटल ओपन बाइट ड्यूरिंग मिक्स डेंटिशन फ्रैंकल फोर एंड चिन कप विद हाई पुल हेड गियर। याद है मैंने कल बताया था फ्रैंकल्स के बारे में बताते हुए तो कि फ्रैंकल फोर कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ ओपन बाइट्स। तो दैट इज द बेसिकली ए केस कि अगर किसी को फाइव का भी कहा था डीप बाइट के बारे में। हाँ 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 ठीक है। तो अगर अगर फॉर एग्जांपल फॉर वो खैर केस टू केस आपका वेरी करता है लेकिन इन केस ऑफ स्केलेटल ओपन बाइट अगर आप मिक्स डेंटिशन में किसी पेशेंट को ओपन बाइट देख रहे हो देन व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस? आप फ्रैंकल फोर यूज कर सकते हो एंड चिन कप विद हाइपोल हेड गियर आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। परमानेंट डेंटिशन में व्हाट आर द ऑप्शंस वी डू हैव? माइल्ड केसेस में आप क्या कर सकते हो? वी कैन यूज फिक्स्ड अप्लायंसेस विद बॉक्स इलास्टिक्स, ठीक है। या अगर परमानेंट डेंटिशन में पेशेंट की ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, द स्केलेटल ओपन बाइट कैन बी ट्रीटेड ओनली बाय द सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। जाहिर सी बात है आप लोगों को पता है अगर ग्रोथ पूरी हो चुकी है किसी पेशेंट को इतना सिवियर मसला है ऑब्वियस सी बात है यू हैव टू गो फॉर द सर्जरी। ये तो एक नेचुरल बात है हमें शुरू से पता है ना। समझ आई बात? कोई चीज समझ नहीं आई मुझे बताओ तो आई विल रिपीट इट। ओरल स्क्रीन जो आपने लिखा है उसका थोड़ा बताएं। जी जी ओरल स्क्रीन बेसिकली जो है हमारा ओरल स्क्रीन की भी डिफरेंट वो होते हैं कि हम उसे कैसे रखते हैं। बेसिकली वो ये करता है कि आपका जो ओपन बाइट है उसको रिड्यूस करने के काम आता है। उसको मैकेनिज्म बेसिकली क्या हो सकता है, एक तो प्रोक्लाइन होते हैं ओपन बाइट में ज्यादातर दांत, ठीक है। उसके बाद जो आपकी एक्स्ट्रा या वो फोर्सेस लग रही होती है ना आपकी टंग की टीथ के ऊपर, उन एक्स्ट्रा मस्कुलेट बेसिकली उन जो फोर्सेस हैं उनको स्टॉप करता है, उनकी जो मूवमेंट है उसको स्टॉप करता है, तभी ये जो आपका ओपन बाइट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेशेंट को ओपन बाइट का ट्रीटमेंट कर दिया किसी भी मेथड से लेकिन उसमें उसकी टंग में अभी भी टंग थ्रस्टिंग की हैबिट है, उसकी वजह से भी ओपन बाइट उसको अभी तक टंग थ्रस्टिंग की हैबिट है, ठीक है। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑप्शंस वी विल बी हैविंग? वी विल बी हैविंग ओरल स्क्रीन। ओरल स्क्रीन से क्या होगा, जो जो प्रेशर लग रहा है आपका टंग का दांतों पे वो नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़ा मुश्किल चीजें हैं थोड़ी। हाँ माइल्ड केसेस में यू कैन गिव इट, ठीक है। मायोफंक्शनल अप्लायंस डॉक्टर सना एग्जैक्टली एग्जैक्टली जी 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 बेटा बोलो मैं सुन रही हूँ। ओरल तो कितने टाइम तक हम उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट डिपेंड करता है जब तक पेशेंट की हैबिट सही हो। बेसिकली जो हम लोग मायोफंक्शनल अप्लायंसेस देते हैं ना ये बात याद रखो वो तकरीबन तकरीबन उनका ट्रीटमेंट टाइम होता है 8 to 10 months, उसमें उसे फंक्शन करना चाहिए इफ इफ द पेशेंट इज ग्रोइंग, ठीक है। तो हमने एंटीरियर क्रॉस बाइट में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने एलिमिनेट करना है हैबिट्स को। वी हैव गॉट ओरल स्क्रीन एज वन ऑफ द अप्लायंस इन केस ऑफ मिक्स। अगर मिक्स डेंटिशन में कोई आपके पास ओपन बाइट का केस आता है तो आप उसे या तो फ्रैंकल फोर से ट्रीट करोगे या तो चिन कप विद हाइपल हेड गियर दोगे। अगर परमानेंट केस परमानेंट डेंटिशन में अगर कोई माइल्ड केस आता है तो आप यू कैन यूज इट यू कैन ट्रीट इट बाय यूजिंग फिक्स्ड अप्लायंसेस विद बॉक्स इलास्टिक्स। या परमानेंट डेंटिशन में ग्रोथ भी पेशेंट की एंड हो गई है और उसे स्केलेटल ओपन बाइट है, ये डेंटल ओपन बाइट आपकी फिक्स्ड ऑर्थो से सही हो जाएगी इवन सिवियर भी, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट को स्केलेटल ओपन बाइट है
वो ग्रोथ कंप्लीशन के बाद देन यू कैन ओनली ट्रीट इट विथ सर्जरी, सर्जिकल मेथड्स होते हैं, सही है जी? ठीक है. अच्छा, इफ द ओपन बाइट इज ड्यू टू सुप्रा इरप्शन ऑफ पोस्टीरियर्स, पोस्टीरियर सेगमेंटल ऑस्टियोटोमी और पोस्टीरियर बाइट प्लेन्स आर इंडिकेटेड बेसिकली. ठीक है, इन्होंने ये बोला कि अगर पोस्टीरियर ओपन बाइट आपकी पोस्टीरियर्स एक्सट्रूड होने की वजह से या सुप्रा इरप्शन की वजह से है, देन यू कैन गो फॉर, अगर सिवियर है तो आप लोग पोस्टीरियर सेगमेंटल ऑस्टियोटोमी भी कर सकते हैं और यू कैन यूज पोस्टीरियर बाइट प्लेन. अगर सपोर्ट करे जैसे डीप बाइट पे तो सवाल आ गया, अगर इस पे ऐसा कोई सवाल आता है ओपन बाइट से रिलेटेड और उसमें से कोई बेस्ट हमें चूज करना हो तो फिर हम इसमें क्या सिलेक्ट करेंगे? या पोस्टीरियर बाइट प्लेन्स, पोस्टीरियर बाइट प्लेन्स, ठीक है जी. और उसमें क्लोजिंग का, तो उसमें अगर क्लोजिंग का हां तो उसमें आप एक्सट्रूजन, एग्जैक्टली. और मैम ये एक्सट्रूजन ऑफ ओपन बाइट की भी तो टाइप्स है ना, जिसके आपने लिखा हुआ है स्केलेटल ओपन बाइट है तो उसमें तो हम वो जेन देंगे ना जो आपने लिखा है फ्रैंकल फॉर अप्लायंस, और मतलब तो और डेंटल में अगर पूछेंगे तो हम इसमें ये लिख देंगे पोस्टीरियर बाइट प्लेन, सही है ना मैम? ऐसे बोल रही है ना आप? जी 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 जी, यही बोल रही हूं. और इसमें क्या होगा एक्सट्रूजन ऑफ, आपने इसमें क्या होगा एक्सट्रूजन ऑफ किसका होगा? एंटीरियर के एक्सट्रूजन और पोस्टीरियर का इंट्रूजन उल्टा हो जाएगा. एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास हमारे ओवरलैप नहीं कर रहे ना इंटीरियर, बिकॉज अगर तब करोगे जब आपकी ओपन बाइट सुप्रा इरप्शन ऑफ पोस्टीरियर्स पे, ये स्टेटमेंट याद रखो. ठीक है, अगर हाँ ठीक है, आगे चले. ये ओरल स्क्रीन कैसे मतलब हेल्प करेगा इंटीरियर ओपन बाइट? बेसिकली अगर ओरल स्क्रीन हम लोग ना माइल्ड केसेस में देते हैं बेटा, उसमें जब अगर पेशेंट को टंग थ्रस्ट है या उसकी वजह से पेशेंट को अगर ओपन बाइट है ना, तो बेसिकली ओरल स्क्रीन क्या करता है, आप लोग इसकी थोड़ी पिक्चर आप लोग देख सकते हो गूगल करके. उसमें बेसिकली मैकेनिज्म ये होता है, ये टंग और आपके जो टीथ है ना उनके बीच में एक आप समझे एक ऑब्स्टिकल होता है, तो वो बेसिकली जो आपका प्रेशर लग रहा होता है ना टंग का, वो दांतों पे नहीं लगता है. तो बेसिकली वो आप जाहिर सी बात है जो चीज जो हैबिट को ही आप एलिमिनेट कर रहे हो, वो इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपकी ओपन बाइट ठीक होगी ना. बेसिकली दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी जी ठीक है. ठीक है, then we have got posterior or lateral open bites. It must be usually done due to the habit of tongue thrusting, and usually habit breaking appliance is indicated. If it is due to primary failure of eruption, then it cannot be corrected orthodontically. Acha, इन्होंने कहा यूजुअली ये टंग थ्रस्टिंग जो हमने पहले भी बात की उसकी वजह से हो सकती है, तो उसमें हम हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस दे सकते हैं. यहाँ पे आप वो भी लगा सकते हो, हमने पीछे क्या पढ़ा ओरल स्क्रीन, आप ओरल स्क्रीन यहाँ पे भी लिख सकते हो, ओरल स्क्रीन इज अ हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस, सही है. अच्छा, अब थर्ड स्टेटमेंट किसी को समझ आया? अगर समझ आया तो प्लीज मुझे बताओ, आप लोगों को जितना अगर समझ आया थर्ड स्टेटमेंट primary failure of, अच्छा मुझे ये बताओ what is primary failure of eruption? कोई भी deciduous है तो उसमें मतलब retention हो जाए किसी भी tooth की, तो eruption ना हो पाए permanent tooth की, तो ये हो सकता है primary failure of eruption. अच्छा, basically primary failure of eruption ऐसी समझ आ रहा है कि दांत पूरी तरह erupt नहीं हुआ है. ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? जी. अच्छा, देन अगर आपका दांत पूरी तरह इरप्ट नहीं हुआ है एंड देन एंड देयर इज नो अंडर, अच्छा कुछ हम ये हमेशा बोलते हैं ना कि देयर मस्ट बी सम कॉज बिहाइंड इट, या तो कोई ऑब्स्टिकल हो या कोई दांत प्रेजेंट हो या कोई एनकाइल, मतलब कोई कोई भी ऐसे कोई कॉज हो सकता है. ठीक है, बट इन प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन ये बात याद रखो, देयर इज नो अंडरलाइन ऑब्स्ट्रक्शन और ऑब्स्टिकल
there is only there are some genes hoti hain jo responsible ho sakti hain primary failure of eruption ki, warna otherwise there is no, ye yaad rakho, there is no obstruction. स्पेस ना ओपन हो, ये बात ही नहीं है. प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन हमेशा बिना किसी कॉज के होता है एंड इट ओनली अफेक्ट्स परमानेंट टीथ. ये याद रखो, अगर आप लोग के पास पेपर पेन है तो ये लिख लो. देयर आर टू कंडीशंस जिसमें दांत पूरी तरह इरप्ट नहीं होता. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन, द अदर वन इज एनकाइलोसिस. अब आप मुझे ये बोल सकते हैं ना, मैम ये एनकाइलोसिस भी तो हो सकता है, ठीक है ना, एनकाइलोसिस की वजह से भी तो दांत इरप्ट नहीं हो रहा है. तो आप मुझे ये पूछ सकते हैं ना कि मैम ये मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं, ठीक है. तो थोड़े बहुत दो चार डिफरेंसेस मैं आपको बता रही हूं, अगर पेपर पेन है तो प्लीज वो लिख लें जस्ट बिकॉज ऑफ योर कॉन्सेप्ट, ठीक है. जी बेटा मैम, प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन जो है वो ट्रामा या फिर लेस ऑफ बोन कैल्सिफिकेशन के बच्चों, कुछ बच्चों के बोन्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं, उसकी वजह से भी होता है? नहीं, दैट इज बिकॉज ऑफ, ये जो आप ये बात, ये सारी जो हिस्ट्री दे रहे हो ना, हिस्ट्री ऑफ ट्रामा और एनी एक्सीडेंट और एनी अदर ट्रामा, वो एनकाइलोसिस में होता है. यही बेसिकली कुछ डिफरेंसेस हैं, मैं आपको बताती हूँ. एनकाइलोसिस में हमेशा हिस्ट्री ऑफ ट्रामा होगा या कोई ऑब्स्टिकल होगी, कोई पेरियापाइकल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई पैथोलॉजिकल रीजन हो सकता है, लेकिन प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन में कोई रीजन नहीं होता. देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, ठीक है. देन दूसरा डिफरेंस, प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन हमेशा परमानेंट टीथ को इफेक्ट करता है ज्यादातर, और एनकाइलोसिस डेसिडस डेंटिशन को इफेक्ट करता है. समझ आया? मोस्टली परमानेंट टीथ को इफेक्ट करता है. प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन परमानेंट को करेगा, एनकाइलोसिस जो होता है वो डेसिडस पे ज्यादातर होता है. नॉट ऑलवेज ना, लेकिन जी 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 मैम, लेटरल टंग थ्रस्ट का जो है ये इस वजह से प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन होता है? नहीं 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 नहीं, ये तो बात ही, उन्होंने ये बात ही दूसरी की. उन्होंने कहा अगर प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन की वजह से डीप बाइट है तो आप उसे ऑर्थोडोंटिकली करेक्ट नहीं कर सकते. तो फिर बेसिकली टंग थ्रस्ट से कौन सी वाली इरप्शन मतलब रुकती है, एनकाइलोस हो जाते हैं या प्राइमरी फेलियर? नहीं नहीं नहीं, एनकाइलोस नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द टंग, जो कि मैंने पहले भी बताया कि ओरल स्क्रीन बेसिकली क्या कर रहा है, आपकी जो टंग और टीथ का जो कॉन्टेक्ट है उसे खत्म कर रहा है. वो खत्म होगा और हम फिर हम डिफरेंट वो यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी ओपन बाइट करेक्ट होगी ना मैम. ओरल स्क्रीन वेस्टिबियल में लगती है. एग्जैक्टली, मैम लेटरल टंग थ्रस्ट को कैसे वो रोकेगी? नहीं नहीं नहीं, देखो वेस्टिबियल में भी लगती है, आप उसमें भी डिफरेंट मेथड है, तीन चार मेथड है उसके, कि आपने बेसिकली किस टाइप की मैलोक्लूजन के लिए आप उसे दे रहे हो. आप बक्कल वेस्टिब्यूल में भी दे सकते हो, आप वैसे भी दे सकते हो ऑन द लिंगुअल सरफेस ऑफ. मैम इसके लिए कौन सी देंगे, लेटरल टंग थ्रस्ट के लिए? तो वो जाहिर सी बात है ना, वो तो आप लिंगुअल उसमें दोगे ना, ताकि उनका इक्विलिब्रियम जो है वो हो, डिस्टर्ब हो. बेसिकली जो हैबिट है उसको हम रोकने के लिए दे रहे. द मेन रीजन ऑफ टेलिंग दैट टेलिंग यू अबाउट प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन इज कि प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन को आप ऑर्थोडोंटिकली ट्रीट नहीं कर सकते बिकॉज इट हैज नो अंडरलाइन पैथोलॉजिकल रीजन. और इसमें जो एनकाइलोसिस है, एनकाइलोसिस में हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होती है, प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन में हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा या कोई और ऑब्स्टिकल नहीं होती है. प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन आपके परमानेंट में होता है, एनकाइलोसिस ज्यादातर आपके डेसिडस में होता है. प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन जब होगा वो ज्यादातर पोस्टीरियरली होता है, पोस्टीरियर टीथ को इन्वॉल्व करता है, स्पेशली मोलर्स, ठीक है. जो एनकाइलोसिस होता है जी, प्राइमरी फेलियर इरप्शन मतलब इसका मतलब क्या है कि वो परमानेंट से इरप्ट नहीं हो पाते? एग्जैक्टली, वो अपने प्रॉपर्ली इरप्ट नहीं हो पाए हैं. ओके मैम, इसकी काज क्या होती है मैम, क्यों नहीं इरप्ट हो पाते ये? मैंने यही बताया ना, देयर इज नो अंडरलाइन कॉज बिहाइंड इट.
PTRH1 जीन कहते हैं, वो शायद रिस्पॉन्सिबल होती है जी मैम। मैम ये जो टूथ जम होता है, जिससे टूथ बर्ड होता है, जिससे टूथ आ रहा है, उसमें तो कुछ नहीं 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 अगर आप इवन अगर पेरियोपाइकल्स भी इन पेशेंट्स के देखोगे ना, PDL वायबल होता है, सीमेंटम प्रॉपर होती है, हर चीज आपको प्रॉपर दिखेगी, लेकिन दांत में इंट्रिंसिक मैकेनिज्म ही नहीं है जिसकी वजह से दांत इरप्ट हो। वो ये कहते हैं, रिसर्च में ये बताया गया है, थ्योरीज ये कहती हैं बिकॉज इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन ऑफ जीन PTRH1 उस जीन की म्यूटेशन की वजह से प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन होता है जी। जीन मैम, जीन्स का असर सिर्फ परमानेंट पे होगा, डेसिडियस पे नहीं होगा, प्राइमरी टीथ पर। बेटा आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन ना, उसकी जीन मैं बता रही हूँ, एनकाइलोसिस का तो जीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, सो आई एम नॉट रेफरिंग इट। नहीं मैम, प्राइमरी का बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल किस पर होगा, दोनों पे होगा ना। मुझे आपकी बात नहीं समझ तो मैम, फेलियर तो बेटा प्राइमरी फेलियर, आपने कहा ना कि जीन्स का, यस मैम, बेटा प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन इज अ डिफरेंट थिंग, एनकाइलोसिस इज अ डिफरेंट थिंग, डोंट मिक्स दीज टू थिंग्स। मैम एनकाइलोसिस की मैं बात नहीं कह रही, मैं बात कर रही हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि प्राइमरी में जो फेलियर जीन्स की जो असर होगी ना, वो परमानेंट टीथ के इरप्शन पे होगी, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि उसका कोई प्राइमरी पे फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइमरी नॉर्मल ग्रो करेंगे देन परमानेंट पे असर होगा। एग्जैक्टली, ज्यादातर ये परमानेंट पे ही करता है, देयर दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन, एग्जैक्टली मोस्ट प्रोबेबली, और ये मल्टीपल टीथ को इन्वॉल्व करता है प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन, एनकाइलोसिस ज्यादातर सिंगल टीथ को इन्वॉल्व करेगा। प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन पोस्टीरियर्स में होगा, एनकाइलोसिस आपका किसी भी दांत में हो सकता है, एंटीरियर भी हो सकता है, सही है? मैम आपने बताया था ना कि ये एनकाइलोसिस पे भी अफेक्ट करता है, तो मैम कैसे करता किस है पे? किस चीज पे एनकाइलोसिस पे इफेक्ट करता है? एनकाइलोसिस तो उस पे भी अफेक्ट करता है, ये जो प्राइमरी फेलियर इरप्शन होता है। नहीं नहीं मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला आपका प्राइमरी फेलियर, आप लोग बीच में बोलते हो ना तभी आप लोग बात मिस कर जाते हो, there are certain different, there are two things जो के eruption के pathway को रोकते हैं या जिनसे eruption नहीं होती है, either it could be primary failure of eruption or it could be ankylosis। अब इनका difference क्या है, please बीच में कोई नहीं बोले। primary failure of eruption is there is no underlying pathological reason, ankylosis में there is history of trauma or any pathological reason, ठीक है? and primary failure of eruption में आपके पास क्या नाम है, यूजली परमानेंट टीथ इन्वॉल्व होते हैं, एनकाइलोसिस यूजली डेसिडस टीथ को इन्वॉल्व करता है, प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन पोस्टीरियर टीथ स्पेशली मोलस्क को इफेक्ट करता है, मल्टीपल टीथ को इफेक्ट करता है, जबकि एनकाइलोसिस जो है आपके जो है किसी भी दांत को कर सकता है, वेदर इट्स एंटीरियर इट्स पोस्टीरियर, और यूजली इट इफेक्ट सिंगल टीथ, ठीक है? अगर आप किसी पेशेंट को देखो पोस्टीरियरली उसके मल्टीपल सबमर्ज टीथ हैं, यानी मल्टीपल टीथ इरप्ट प्रॉपरली नहीं हुए हैं, देन यूजुअली इट इज द केस ऑफ प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन एंड इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन ऑफ जीन PTRH1। हैव आई मेक माई सेल्फ क्लियर? ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, कहने का मकसद ये था प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन की बात नहीं हो रही थी, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन किसी पेशेंट को है, देन वो ऑर्थोडोंटिकली भी उस पेशेंट को, इवन अगर आप ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस भी लगाएं तब भी वो दांत इरप्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ नो इंट्रिंसिक इरप्टिव एबिलिटी। उसमें क्या होता है, आप उस दांत की एक्सट्रैक्शन कर देते हो या सेगमेंटल ऑस्टियोटॉमी, उस पूरे सेगमेंट को ही पूरा आप ऊपर लेके आते हो, देयर आर डिफरेंट रीजंस बट दैट इज नॉट अप टू योर लेवल। तो जस्ट यू जस्ट हैव टू नो कि अगर पेशेंट को प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन है, देन यू कैन नॉट ट्रीट इट विद ऑर्थोडोंटिकली अलोन, वी हैव गॉट डिफरेंट ऑप्शंस बट यू डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। ठीक है, पता कैसे चलता है, एक्सरे में पता चल जाता है कि इसको ये प्राइमरी फेलियर इरप्शन है? बेटा ये सारे ऑप्शंस है ना जो मैंने बताया, अगर पोस्टीरियर है, मल्टीपल दांतों को इन्वॉल्व किया हुआ है,
और पेशेंट बताता है कि मेरी तो कोई हिस्ट्री भी नहीं है, आपको एक्सरेज में भी थोड़ा बहुत पता पड़ जाता है कि भाई ऐसी तो कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से दांत रुका हुआ है, दांत नहीं आ रहे पीछे। और यूजुअली यूजुअली जो बहुत मोस्ट कॉमन चीज हम लोग देखते हैं ना, पोस्टीरियर इन्वॉल्व करता है और मल्टीपल तीन चार दांत इन्वॉल्व हुए हुए होते हैं, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, प्री मोलर्स, तो इससे हमें पता पड़ता है कि इट इज बिकॉज ऑफ द प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन। बेसिकली डिफरेंस बताने का मकसद यही था कि ताकि आप लोग, अगर आप लोगों के बीसीक्यू में कोई आता है तो आप लोगों को ये पता हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन एंड एनकाइलोसिस। सही है, आगे चले। ओरल स्क्रीन मायोफंक्शनल फंक्शनल फिक्स्ड अप्लायंस है? नो, इट्स नॉट अ फिक्स्ड अप्लायंस, इट्स अ मायोफंक्शनल। जी जी जी, हैबिट ब्रेकिंग। Then anterior crossbite, ठीक है? The developing crossbite can be managed by tongue blade therapy or lower inclined plane therapy by placing metallic crown on the upper incisor teeth. Already developed cross, इन्होंने कहा अगर developing है, अभी develop नहीं हुई है, then what are the options we have? We have tongue blade therapy. Or we can use lower inclined plane therapy by placing metallic rounds on the upper incisor teeth. ये दो option है, ठीक है? Developing condition में, developing crossbite में, अगर already developed crossbite है, it can be managed by double cantilever springs with posterior bite planes. ये आप लोगों को जो भी appliances हैं बेटा, आप लोगों को रटने पड़ेंगे, ठीक है? Can be managed by double cantilever springs with posterior bite planes. Telescopic expansion screws with posterior bite planes, segmental expansion screws with posterior bite planes, and multi-looped arch wire using fixed appliances. हम लोग तो ज्यादातर fixed appliances से ही करते हैं अगर developed cross bite है, ठीक है? So you just have to memorize the names of all these things, ठीक है? Then we have got posterior cross bite. अगर posterior cross bite for single, अगर single दांत पे है, then we can correct it by using cross elastics, expansion screw or sectional fixed appliances. If it is unilateral, matlab ek side pe cross bite hai, dusri side se bilkul sahi hai, then we have unilateral expansion screws and we can also correct it with fixed appliances. If there is bilateral cross bite, then we have got bilateral or symmetrical expansion screws, we have got coffin springs, we have got Hyrax and cord helix appliances. ठीक है, आपके ख्याल में इनके नाम हम सिर्फ अगर याद कर लें तो फिर ज्यादा इसमें डिटेल्स में जाने बिकॉज एग्जैक्टली क्योंकि दे विल नेवर आस्क यू अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज थिंग्स। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जब पढ़ने बैठो तो आप लोगों का इतना टाइम वेस्ट। जी जी, आपने जो सारे नाम वगैरह बताए ये तो सब हमने याद करने हैं, बट मतलब इसके क्वेश्चंस कभी आए हैं पिछले या हम ऐसे ही मतलब ऑन द सेफ साइड याद करें? पता है बेसिकली ना आप लोगों को सिर्फ ये याद रखने हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रोइंग पेशेंट में आप क्या कर सकते हो, अगर एडल्ट पेशेंट है तो उसमें आप ऑप्शन क्या लिख सकते हो ट्रीटमेंट का, अगर ग्रोथ खत्म हो गई है ऑब्वियसली यू हैव गॉट द सर्जिकल ऑप्शंस। तो ये थोड़े थोड़े एक दो नाम अगर आप लोग याद कर लोगे ना कि क्लास टू में ग्रोइंग पेशेंट में क्या करोगे, एडल्ट में क्या करोगे, सर्जिकल मेथड क्या है, तो ये आप लोगों की हेल्प करेंगे। अगर कोई ऐसा बीसीक्यू आता है तो वो आपसे मिस नहीं होगा, दैट इज द बेसिक रीजन, ठीक है? Then we have got scissors bite. बहुत सारा हम scissors bite के बारे में बात करके आए हैं। It is a buccal cross bite where is the upper teeth are placed buccally to their lower counterpart. ठीक है? उसके बाद can be corrected by cross elastics by bending in upper and lower teeth which are in buccal cross bite and giving cross elastic.
लंगों में कितनी एक्सपेंशन होती है, दैट इज इट. इससे ज्यादा कभी भी नहीं आएगा, इससे ज्यादा कभी भी नहीं आता. दे विल नेवर, स्पेशली ऑर्थो के लेवल पे दे विल नेवर गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट बेसिक. वही मैं ये बात कह रही हूँ, हर मेल अक्लूजन के बेसिक बेसिक अप्लायंसेज याद कर लो कि डेसिडेस में भाई हम ये काम करेंगे, मिक्स्ड में हम ये काम करेंगे, हम एडल्ट में ये काम करेंगे, परमानेंट में ये काम करेंगे, ग्रोथ खत्म हो जाती है तो ये सर्जरी कर सकते हैं. दैट इज इट. यू डोंट गो इनटू द डिटेल्स. इवेंचुअली यू हैव टू, क्योंकि अगर इन सारी चीजों का मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट दे सकती हूँ लेकिन इस एक एक चीज को डिफाइन करने में घंटा घंटा लग जाएगा. Obviously बात है, which is not even necessary for you guys, ठीक है? मैंने Frankl 1 का था, Frankl 2 का था, क्योंकि इसमें Frankl 1 मैंने Frankl 2 का था, इसमें Frankl 1 लिखा हुआ है, ये आप लोग सही कर लेना, ठीक है? In permanent dentition, अच्छा, ठीक है? उसके बाद permanent dentition में class 2. I'm sorry for interrupting. इसमें आपके ख्याल में क्लास टू में कोई ऐसा पूछ सकते हैं, मतलब कि कॉमन अप्लायंस, मतलब एक ही आंसर आपके ख्याल में वो ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि डेसिडस टीथ में कौन सा या मिक्स डेंटिशन में कौन सा? नहीं नहीं नहीं, क्लास टू का बहुत कॉमन सवाल सिर्फ एक आता है, व्हाट इज द क्लास टू कैमोफ्लाजिक ट्रीटमेंट विच आई टोल्ड यू. आपसे मेरी डिस्कशन हुई थी, हमेशा ये याद रखो क्लास टू कैमोफ्लाज इज अपर फर्स्ट प्रीमोलर्स एंड लोअर सेकेंड प्रीमोलर. सही है? दैट इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन योर बीसीक्यूज. ठीक है, आगे चले. अपर फर्स्ट प्रीमोलर और लोअर, आपने क्या कहा? अपर फर्स्ट प्रीमोलर सेकेंड, अपर फर्स्ट प्रीमोलर्स दोनों, लोअर सेकेंड प्रीमोलर, क्योंकि हमें अपर वालों को ज्यादा पीछे लेके जाना है ना एज कंपेयर टू लोअर. उसमें आप कह रहे कैमोफ्लेज कॉन्टेक्स्ट होगी, दैट इज कैमोफ्लेज, एग्जैक्टली. ठीक है, बेसिकली ये सवाल सबसे ज्यादा आता है कि टेल अस अबाउट द कैमोफ्लेज ट्रीटमेंट ऑफ क्लास टू. ठीक है, बाकी आप आ जाते हैं परमानेंट डेंटिशन में हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ एक्सट्रैक्शन केसेस में क्या करते हैं, इफ द डिस्क्रिपेंसी is more than 5 mm in both arches, then all first premolars. Agar 5 mm se zyada hai, if the discrepancy is more than 5 mm in upper and lower arch is well aligned, then the extraction of only upper premolar should be done. Theek hai? If the discrepancy of more than 5 in upper and 2.5 to 3 mm in lower arch, then the extraction of upper first premolars and lower second premolar should be done. That is the main camouflage treatment जो मैं आपको बता रही हूँ. जो third है ना, main camouflage treatment ये होता है. जी. मैम ये first और second point को थोड़ा ना clear करें, क्योंकि लिखा हुआ है discrepancy more than 5 mm in both arches. Discrepancy is basically ALD, arch length discrepancy. नहीं वो तो पता है मैम, पर ये पूछ रहे हैं ना, आपने first line में लिखा हुआ है both arches, सही है, फिर second आप कुछ नहीं करोगे, अपर में आप सिर्फ एक्सट्रैक्शन करोगे. अगर दोनों आर्चेस में 5 mm से ज्यादा क्राउडिंग है तो दोनों में एक्सट्रैक्शन करोगे. अगर अपर में 5 mm से ज्यादा है, अपर में फर्स्ट प्रीमोलर निकालोगे, लोअर में आप सिर्फ सेकंड प्रीमोलर्स निकालोगे. ठीक है, इफ मोलर्स आर बैडली कैरियस देन कंसीडर एक्सट्रैक्टिंग देम. ठीक है, अगर मैम लोअर में 3 मिलीमीटर से ज्यादा हो तो फिर भी यही करेंगे जो थर्ड पॉइंट बताया गया है. एग्जैक्टली, आप यही करोगे. ठीक है, नॉन एक्सट्रैक्शन केसेस, इन केसेस ऑफ स्पेसिंग, अच्छा नॉन एक्सट्रैक्शन हम किस में करते हैं, इन केसेस ऑफ स्पेसिंग एंड अपर इंसाइजर प्रोक्लिनेशन, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट में स्पेस है, हमें दांत निकालने की क्या जरूरत है, वैसे ही अपर इंसाइजर उसके इंसाइजर प्रोक्लाइन है तो हम रेट्रोक्लाइन करेंगे तो प्रोफाइल भी बेहतर हो जाएगी, स्पेसिंग भी खत्म हो जाएगी. ठीक है, परमानेंट डेंटिशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ. ठीक है, इन सिवियर केसेस मैक्सिलरी ऑस्टियोटोमी और मैंडिबुलर एडवांसमेंट इज डन. इट डिपेंड्स के मसला मैक्सिला में है या मैंडिबल में है. अगर मैक्सिला ज्यादा बड़ा है तो मैक्सिलरी ऑस्टियोटोमी करेंगे, अगर मैंडिबल मतलब छोटा है तो मैंडिबुलर एडवांसमेंट करेंगे. ठीक है, देन वी हैव गॉट क्लास टू डिव टू.
उसमें डेसिडिस में क्या करेंगे, वील नो एनी इंटरवेंशन. मिक्स डेंटिशन में वी कैन गो फॉर एंटीरियर बाइट प्लेन थेरेपी, फ्रैंकल टू और डिस्टलाइजेशन ऑफ अपर मोलर्स. ठीक है, ये तीन चीजें ही आप लोगों को याद करनी पड़ेगी. और कुछ याद रखो नहीं रखो, एटलीस्ट फ्रैंकल टू याद रखना. ठीक है, परमानेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं और प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग कर सकते हैं. एंटीरियर्स आर अलाइंड बाय डबल कैंटिलीवर स्प्रिंग और लेबियल बोस. ठीक है, क्योंकि सिर्फ टिपिंग का मसला था. याद करो हमने पहले बात की थी कि टिपिंग रिमूवेबल से सही हो सकती है. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैंटिलीवर स्प्रिंग्स, लेबियल बो एंड एक्सपेंशन स्क्रूज. इफ क्राउडिंग इन अपर आर्च देन एक्सट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट प्रीमोलर्स. इफ क्राउडिंग इज बोथ arches, then extraction of all premolars. ठीक है, ये थोड़ी चीजें, ये थोड़ा आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को थोड़ा समझ आएंगी. इनमें कोई चीज अगर फिर भी समझ नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ. टू बेसिकली करेक्ट, ये मॉडिफाइड थोड़ा होता है एंटीरियर बाइट प्लेन अगर इन केसेस में दिया जाता है. उससे क्या होता है, वो जो आपकी इंक्लिनेशन है ना पेशेंट की, वो बेसिकली सही होती है. ये थोड़ा मॉडिफाइड होता है लेकिन या होता वो बाइट प्लेन ही है. बाकी आप डिस्टलाइजेशन भी कर सकते हो, लेकिन मेन मसला जब हमारे पास क्लास टू डिप टू का पेशेंट आता है ना, उसका मेन मसला ये होता है कि ये मेरे आगे के जो दांत है ना वो पीछे है, तो आप इनको सही कर दें. ठीक है, तो देन क्लास थ्री जी 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 डिजिटलाइजेशन इन अपर मोलर, इसके बारे में थोड़ा बता दें. इसमें बेटा ये होता है बेसिकली कि हमारे पास देयर आर सर्टेन डिवाइसेस जिसको हम यूज करके मोलर्स को पीछे लेके जाते हैं, डिजिटलाइज करते हैं. ठीक है, मोलर डिजिटलाइज करेंगे तो आगे वालों को भी फिर एक एक करके हम लोग पीछे लेके जाते हैं. इन केस ऑफ क्लास मैम, क्लास टू में. ओके ठीक है, क्लास टू में जब थर्ड मोलर रफ्ट होगा तो उसको उसको मुश्किल नहीं होगी थर्ड मोलर. नहीं, आप थर्ड मोलर ऐसे केसेस हमेशा ये बात याद रखो, डिस्टलाइजेशन के केसेस में या मैंडिबुलर एडवांसमेंट के केसेस में या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर्स में यू विल ऑलवेज एक्सट्रैक्ट द थर्ड मोलर. थर्ड मोलर हमेशा एक्सट्रैक्ट करवा दिए जाते हैं पहले से. हाँ एग्जैक्टली. मैम ये जो प्रॉक्सिमल सर्जरी से या कोई भी डिस्टलाइजेशन से तकरीबन 6 के 8 महीने पहले. जी ये आपने जो प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग लिखा है इसमें परमानेंट डेंटेशन के लिए वही वाली ना जो इंटर प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग की आपने पहले बात बताई थी. ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है. देन वी हैव गॉट मैनेजमेंट ऑफ क्लास 3, वी हैव गॉट सूडो क्लास 3. सूडो क्लास 3 इज यूजुअली बिकॉज ऑफ द अक्लूजल प्रीमैच्योरिटीज. ठीक है, अक्लूजल इंटरफेरेंसेस की वजह से होती है. तो इन्होंने मैनेजमेंट बताई है कि सूडो क्लास 3 में इफ देयर इज अक्लूजल प्रीमैच्योरिटीज आर देयर देन इट शुड बी आइडेंटिफाइड एंड एलिमिनेटेड. ठीक है, पहले तो आप ये देखो कि अक्लूजल प्रीमैच्योरिटी कोई है, अगर है तो यू हैव टू रिमूव इट. ठीक है, इफ देयर इज प्रीमैच्योर लॉस ऑफ पोस्टीरियर टीथ उसकी वजह से सूडो क्लास 3 है देन स्पेस मेंटेनर शुड बी गिवन. ठीक है, इन ट्रू क्लास 3 जी अक्लूजल प्रीमैच्योरिटीज क्या क्या हो सकती हैं? बेटा मतलब कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, रोटेशन हुई भी होती है किसी दांत में तो वो पैलेटल कस्प इरिटेट कर रहा होता है, दैट इज बेसिकली अक्लूजल प्रीमैच्योरिटीज. या कोई पोस्टीरियर फिलिंग है या पोस्टीरियर क्राउन लगा हुआ है वो प्रॉपरली सीट नहीं हुआ हुआ है, दैट इज बेसिकली अक्लूजल प्रीमैच्योरिटीज. उसी की वजह से पेशेंट जो है उसको सीडो क्लास 3 हो सकती है. ठीक है जी मैम, थैंक यू. क्योंकि उसका प्रॉपर कॉन्टेक्ट नहीं बन रहा होता, कस्ट टू फोर्स रिलेशनशिप नहीं बन रहा होता, तो जस्ट टू अक्लूड हिज पोस्टीरियर्स वो मैंडिबल थोड़ा आगे करके बंद करता है, बेसिकली दैट इज सीडो सूडो क्लास 3. वो बहुत इजीली करेक्ट हो जाएगा ना हमारे पास. एग्जैक्टली, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द अक्लूजल प्रीमैच्योरिटीज. और अगर उसकी वजह से नहीं है, अगर किसी पोस्टीरियर लॉस ऑफ अगर किसी पोस्टीरियर टीथ के लॉस की वजह से, देन यू हैव टू इट्स बेटर टू गिव द स्पेस मेंटेनर इन दैट केस. ठीक है, अगर ट्रू क्लास 3 है तो उसमें हमने क्या करना है, एंटीरियर क्रॉस बाइट शुड बी करेक्टेड. जो कि हमने पहले मेथड्स बताए थे उन्हीं से हम लोग करेक्ट करेंगे.
एंड पेशेंट शुड बी ऑब्जर्व्ड. ठीक है, मिक्स डेंटिशन में आप क्या करोगे, एंटीरियर क्रॉस बाइट कैन बी करेक्टेड बाय बाय कैटलन्स अप्लायंस, इंक्लाइन प्लेन्स और कैटलन्स अप्लायंस, डबिक कैंटिलीवर स्प्रिंग्स और शॉज अप्लायंस. बेजल बोन डिस्प्लेजिया अगर है कैन बी करेक्टेड बाय फ्रेंकल थ्री, ठीक है, और रिवर्स एक्टिवेटर, एलिमिनेशन ऑफ एक्लूजल इमेच्योरिटी और प्रीमेच्योरिटी, और ग्रोथ कैन बी रिड्यूस बाय मैक्सिलोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स यूजिंग रिवर्स पुल हेड गियर इन केसेस ऑफ मैक्सिलरी डेफिशिएंसी. याद है मैंने क्या बताया था, फेस मास्क को क्या बोलते हैं, रिवर्स पुल हेड गियर. और किस में, अगर आपका मैक्सिला छोटा है तो आप रिवर्स पुल हेड गियर या फेस मास्क दोगे. ठीक है, ये बात हमेशा याद रखो कि अगर आपके क्लास थ्री मैक्सिला छोटा होने की वजह से है देन यू विल गिव रिवर्स पुल हेड गियर ऑफ फेस मास्क. और अगर उसके मैंडिबल मतलब की ज्यादती की वजह से है देन यू हैव टू गो फॉर द चिन कप विद हेड गियर इन मैंडिबुलर प्रोग्नाथिज्म. सही है. कुछ रिपीट करना है तो बता दो. थोड़ा मुश्किल है, आई नो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन ये चीजें थोड़ा दो चार दफा पढ़ोगे, ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके लिखी है, थोड़ा रट्टा है लेकिन करना पड़ेगा. मैम बेजल बोन डिस्प्लेजिया के बारे में बता दें, व्हाट इज बेजल बोन डिस्प्लेजिया. बेसिकली वो ये बोल रहा है कि आपको डेंटल क्रॉस डेंटल में मसला नहीं है, आपका स्केलेटल क्लास थ्री है. ग्रोइंग ए पेशेंट में आप लोग अगर आपको पता पड़ा है कि पेशेंट को थोड़ा सा स्केलेटल इशू हो रहा है दैट कैन बी करेक्टेड विद फ्रेंकल थ्री और रिवर्स एक्टिवेटर्स. ठीक है, फिर वी विल टॉक अबाउट द परमानेंट डेंटिशन. परमानेंट डेंटिशन में वी कैन गो फॉर द रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन. In mild to moderate cases, the anterior crossbite can be treated by expanding upper arch and retracting the lower anterior. Lower anteriors ko aap retract karo aur uppers anterior jo crossbite hai usse aap aise correct karo ki aap upper teeth ko thoda upper arch ko thoda expand karo, expansion karo upper arch ki aur lower teeth ko retract karo. Theek hai, in severe cases extraction in both arches should be done. ठीक है, क्लास थ्री कैमोफ्लाज ये आप लोग लिख लो. क्लास थ्री कैमोफ्लाज में लोअर आप फोर्स निकालेंगे, अपर फाइव निकालते हैं. मैम रिपीट करें, क्लास थ्री कैमोफ्लाज में लोअर फोर्स निकालेंगे, अपर फाइव निकालोगे. मतलब उल्टा हो जाएगा. एग्जैक्टली क्लास टू में अपर फोर्स थे, लोअर फाइव थे, इसमें उल्टा होगा. ठीक है, ठीक है. अच्छा, परमानेंट डेंटिशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ, कौन कौन सी आप सर्जिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं क्लास थ्री में. यू कैन गो फॉर द लीफोट वन ऑस्टियोटमी. ठीक है, यू कैन गो फॉर द ऑस्टियोटमी ऑफ द मैंडिबल. ठीक है, you can go for sliding osteotomy in ramus and body of mandible. You can go for sagittal split osteotomy to correct the mandibular prognathism. You can go for genioplasty if there is chin correction. ठीक है, अच्छा, अब ये बात थोड़े, ये procedures आप लोगों के लिए थोड़े tough होंगे. ये याद रखो, अगर आपका maxillary deficiency की वजह से है then you have to go for the Lefort 1 maxillary osteotomy. ठीक है, अगर आपका मैंडिबल बड़े होने की वजह से है देन यू गो फॉर द मैंडिबुलर सेटबैक और यू गो फॉर द ऑस्टियोटमी ऑफ मैंडिबल. मैम ये ऑस्टियोटमी है या ऑस्टियोटेक्टोमी है? ऑस्टियोटेक्टोमी है, सॉरी, ऑस्टियोटेक्टोमी है. ऑस्टियोटमी बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं सजाइटल स्प्लिट ऑस्टियोटमी है ना, वो एडवांसमेंट भी करा सकती है, दैट इज अप टू यू, आप क्या प्रोसीजर करना चाहते हो. बीएसएसओ बायलेटरल सजाइटल स्प्लिट ऑस्टियोटोमी एडवांसमेंट भी करा सकती है और सेटबैक भी करा सकती है. ठीक है, तो अगर आपको सेटबैक कराना है तो बीएसएसओ सेटबैक भी होता है
और एडवांसमेंट अगर क्लास टू में करानी है तो हम एडवांसमेंट कराते हैं, अगर क्लास थ्री में कराओगे तो वो भी बाइलेटरल सजाइटल स्प्लिट ऑस्टियोटोमी सेटबैक होगा, समझ रहे हो? और अगर बहुत प्रोमिनेंट चिन है तो यू कैन गो फॉर द जीनियोप्लास्टी, ठीक है? देन जी ऑस्टियोटेक्टोमी दोनों डिफरेंट चीज है ना? दोनों डिफरेंट चीज है बेटा, उनके थोड़े प्रोसीजर्स में आई गेस थोड़ा डिफरेंस होता है। देन लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन दैट इज रिटेंशन ऑफ ऑर्थोडॉन्टिक्स, थोड़ी बहुत हमने इस बारे में बात की भी है, हम फर्दर इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? रिटेंशन को हम किन किन क्लासेस में डिफाइन करते हैं, दे आर फोर ग्रुप्स में हम डिफाइन कर सकते हैं, केसेस जिसमें कुछ रिटेंशन नहीं देंगे, केसेस जिसमें लिमिटेड आप रिटेंशन देते हो, केसेस जिसमें प्रोलॉन्ग रिटेंशन देते हैं, केसेस जिसमें परमानेंट रिटेंशन देते हैं, ठीक है? नो रिटेंशन किसमें देंगे, एक मिनट, एंटीरियर एंड प्रोस्टीरियर क्राउस पाइप्स में, सीरियल एक्सट्रैक्शन में, हाईली प्लेस्ड कैनाइन्स में, स्पेस रीगेनिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ अपर मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर्स, इसमें आप कोई रिटेंशन नहीं दोगे पेशेंट को, कोई रिटेनर नहीं पहनेगा, ना नीदर फिक्स्ड, ना फिक्स्ड पहनेगा ना रिमूवेबल पहनेगा, ठीक है? कोई रिटेंशन नहीं दोगे, ठीक है? लिमिटेड रिटेंशन आप किसमें देते हो, मेजॉरिटी ऑफ केसेस फॉल इनटू दिस कैटेगरी लाइक क्लास वन प्रोक्लिनेशन, ठीक है? क्लास वन एंड क्लास टू एक्सट्रैक्शन केसेस, करेक्टेड डीप बाइट केसेस और क्लास टू डेप टू केसेस, ठीक है? ये आपका BCQ आता है कि इनमें से कौन से केसेस में आप लिमिटेड रिटेंशन देते हो, कौन से केसेस में, स्पेशली स्पेशली जो प्रोलॉन्ग रिटेंशन और स्पेसिंग के केस होते हैं, इसमें बहुत BCQ आता है कि हेडलाइन डायस्टेमा है या पेशेंट का एक्सट्रीम रोटेटेड है दांत, तो आप उसमें कौन सी रिटेंशन दोगे, यू विल ऑलवेज गो फॉर द फिक्स्ड रिटेंशन और परमानेंट रिटेंशन ऑफ दैट केसेस। ये प्रोलॉन्ग रिटेंशन आप पेशेंट्स में दे सकते हो, परमानेंट रिटेंशन आप सीवियर रोटेशंस में देते हैं, मिडलाइन डायस्टेमास में देते हैं, आप लेफ्ट केसेस में देते हैं जिसमें आप एक्सपेंशन करवा रहे हैं आर्चेस की, जनरलाइज्ड स्पेसिंग के केसेस में देते हैं, अगर आप लोअर आर्च की भी एक्सपेंशन करवा रहे हैं उसमें देंगे, एबनॉर्मल मस्कुलेचर और हैबिट्स होती है तो उसमें भी यू हैव टू गो फॉर द क्या नाम है, उसको हम जब आर्च में लेके आते हैं नीचे, तो मतलब एक तरीके से वो हाईली प्लेस केनाइन में आ जाते हैं, तो उसमें हमें रिटेंशन देने की जरूरत नहीं है, am I right? बेटा हाईली प्लेस केनाइन्स इज अ डिफरेंट थिंग, और अगर इंपैक्टेड केनाइन अलग चीज है, बकली प्लेस एग्जैक्टली, हाँ, तो इस चीज को अब उसके बाद बस दो तीन स्लाइड्स ही हैं, दो हैं बल्कि, एक ये है और इसके बाद वाली है, ठीक है? इसमें हमने रिटेंशन के बारे में बात की है कि कुछ सर्टेन मैल ऑक्लूजन्स में हम कौन सी रिटेंशन देना प्रेफर करते हैं, ठीक है? क्लास टू में ओवर करेक्टिंग द ऑक्लूजल रिलेशनशिप डिपेंडिंग ऑन द एज सेक्स एंड मेच्योरिटी, हेडगियर टू डिक्रीज द मैंडिबुलर ग्रोथ, हेडगियर दे सकते हो या आप कोई फंक्शनल अप्लायंसेस दे सकते हो इन क्लास टू रिटेंशन केसेस, ठीक है? क्लास थ्री में आप क्या देते हो, क्लास थ्री बायोनेटर्स दे सकते हो, फ्रैंकल थ्री दे सकते हो, रिवर्स एक्टिवेटर दे सकते हो, यू कैन गिव चिन कप विद, हाँ, चिन कप, ठीक है? देन डीप बाइट में आप रिमूवेबल अपर रिटेनर विद बाइट प्लेन्स, ठीक है, वो देते हैं, अगर ओपन बाइट है तो वी कैन गिव हाइपल हेड गियर्स और पोस्टीरियर बाइट ब्लॉक्स, सही है? सारे रिटेंशन के मतलब तरीके हैं। एग्जैक्टली, बेसिकली यही आता है कि आप लोग अगर रिटेनर के लिए अप्लायंस आप क्या देते हो, ये आपने ट्रीट तो कर ली लेकिन उसके एंड में आप उसे रिटेनर कौन सा देंगे, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, ठीक है? कोई किसी को कोई सवाल पूछना है? डिपेंड करता है, देखिए डिपेंड करता है, अगर देखें लिमिटेड रिटेंशन है कभी कभी 2-3 महीने में हो जाता है, अगर थोड़ी प्रोलॉन्ग रिटेंशन है तो 6-12 months जाता है, परमानेंट रिटेंशन इवन ईयर्स तक जाता है, लाइक 10 years, 12 years, 15 years, इवन लाइक दैट। एक्सक्यूज मी मैम, जी 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 मैम, आपने जो बताया जिनमें रिटेंशन की जरूरत नहीं होती जिन केसेस में, तो मैम जी जी कि उनका रीजन क्या है कि उनको रिटेंशन की जरूरत नहीं होती है? बेटा जब आप क्रॉस बाइट सही करोगे
ठीक है, एक तो सीरियल एक्सट्रैक्शंस में तो वैसे ही आपके, क्योंकि वो डेसिडेस के बाद वो आपके परमानेंट आ रहे होते हैं, ठीक है। सबसे बहुत कॉमन आता है पोस्टीरियर एंटीरियर क्रॉसबाइट। जब आप क्रॉसबाइट को ऑलरेडी आपने सही कर दिया है, और क्रॉसबाइट बेसिकली रिवर्स ओवरबाइट होती है ना, जब आपने क्रॉसबाइट सही कर ली है, उसकी बाइट सही हो गई है, तो वैसे ही अपर दांतों ने लोअर दांतों को तो ओवरलैप किया हुआ होता है ना, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता फिर से रिवर्स होने का, रिलैप्स के चांसेस ही नहीं होते, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को रोक के बैठे होते हैं ना। समझ आई बात? जी जी मैम, ठीक है। यस, और किसी को कोई सवाल पूछना हो? मैम, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, आप बोले, मैं पानी पी रही थी, बोले। अच्छा, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, बोले, बोले। इसका मतलब हम क्लासेस की जो हमारे फ्यूजन की क्लासेस है, उसमें हमें सिर्फ ये नाम याद करना है बस ना, इसके मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, मतलब वो सब तो याद नहीं, सिर्फ इसके नाम जो आपने स्लाइड आप लोग के देखो 50, जितना मुझे लगता है अभी भी 50 ही आएंगे बीसीक्यूज, और ठीक है, उसमें से अगर 3-4 बीसीक्यू आते हैं, वो बहुत ही कॉमन से बीसीक्यूज होते हैं, वो आप पास्ट करो, आप मल्टीपल बीसीक्यूज करोगे, आप लोग को खुद पता पड़ेगा किस टॉपिक में से कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक बीसीक्यू जो आप लोगों का बहुत कॉमन आता है, जो हमारे लास्ट उसमें भी आया था, अगर आपने देखा हो, देयर वॉज सम रिलेटेड टू डी रोटेशन ऑफ पोस्टीरियर गिव स्पेस और लाइक दैट, अगर आप में से किसी को वो बीसीक्यू याद है तो वो अगर रिपीट कर सके तो। उसका बेसिकली आंसर यही था कि रोटेशन के बारे में आप इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुने, ठीक है। तो उसका मेन आंसर ये था, डी रोटेशन ऑफ पोस्टीरियर्स गिव यू स्पेस। अच्छा, वो कैसे है? देखो, पोस्टीरियर्स की हमें पता है, जो हमारे मोलर्स होते हैं उनकी मेजर डिस्टल वेट ज्यादा होती है, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी डी रोटेटेड है, थोड़े डीरोटेटेड ऑलरेडी हुए हुए, ठीक है, तो वो और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ये एक कॉमन सेंस की बात है, ये दिमाग में रखो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब वो दांत पहले ही रोटेटेड थे, और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे, तो अगर हम उससे डीरोटेट करेंगे ट्रीटमेंट करके, तो जाहिर है कि वो हमें स्पेस देगा। समझ आई बात? नहीं आई? आ गई है, ठीक है। वैसे ही अगर फॉर एग्जाम्पल, वैसे ही ये बात याद रखो, अगर एंटीरियर्स रोटेटेड हैं, ठीक है, तो एंटीरियर्स की वो नहीं नहीं वो स्पेस देंगे नहीं, उनको स्पेस चाहिए होती है। करेक्ट देयर रोटेशन, सही है, उल्टा हिसाब है। पीछे वाले को डीरोटेट करोगे तो आपको स्पेस मिलेगी, आगे वालों को डीरोटेट करोगे तो आपको स्पेस चाहिए होती है। सही है, ठीक है। और किसी का, आप में से किसी का भी बेटा डॉक्टर है ना? जी डॉक्टर है ना। ये आपने बोला कि पोस्टीरियर में अगर पेरिसी रोटेटेड हैं तो हम उसकी डीरोटेशन करेंगे तो हमें स्पेस मिलेगी, और एंटीरियर अगर रोटेटेड है तो उसकी डीरोटेशन से जो है सो स्पेस, मतलब क्या, मतलब स्पेस हमें और चाहिए होगी, तो उसका हल क्या है? एग्जैक्टली, टू डीरोटेट आप मल्टीपल मैकेनिज्म, आप आईपीआर कर सकते हो, आप एक्सट्रैक्शंस कर सकते हो, मतलब भले एंटीरियर में रोटेशन हुई पड़ी हो, हम उसमें आईपीआर करेंगे उसकी, हम उसको सेट नहीं करेंगे उस दांत की। देखें, बेसिकली जो ये क्वेश्चन बताने का मकसद सिर्फ ये है, एंटीरियर में जैसे सिंगल इंसाइजर, मैंने एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक तस्वीर भी रखी थी, रोटेशन में है शायद, यस यस, इसमें देख रहे हो, ठीक है। इसको अगर हम, इसको मैं अगर डीरोटेट करके रखूँ, ये पूरी तरह अपने उसमें नहीं आएगा, तो थोड़ी बहुत मुझे आईपीआर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमेशा ये बस आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, पोस्टीरियर को डीरोटेट करोगे तो आपको स्पेस मिलती है, अगर एंटीरियर को आप डीरोटेट करते हो तो यू नीड स्पेस कि आप उसे डीरोटेट कर सको,
That is the basic central idea behind this discussion. Ma'am? Gigi? Ma'am, for anterior and posterior crowding, we extract which teeth? Please repeat, Kajo. Beta, for anterior crowding, you have to extract first premolar. For posterior crowding or molar correction, you extract second premolar. सेकेंड प्रीमोलर तभी ये कॉमन सेंस की बात है इसी को उससे कनेक्ट करो अगर क्लास टू कैमोफ्लाज है उसमें हमें अपर की थोड़ी हमें प्रोमिनेंसी कम करनी होती है दांतों की तो हम अपर का फोर निकालते हैं लोअर का मोलर रिलेशनशिप सही करना होता है तो हम फाइव निकालते हैं सही है वैसे ही क्लास थ्री में लोअर की प्रोमिनेंस हमें कम करनी है तो हम फोर निकालते हैं अपर का मोलर रिलेशनशिप हमें सही करना होता है तो हम लोग फाइव निकालते हैं And ma'am, second question. जी. For generalized spacing, we use label bow. So label bow के ऐसा localized line था use कर सकूं. Relapse के chances ज़्यादा होते हैं बेटा. So localized only finger. You can no. You can also use certain. एक मिनट मैं आपको बता रही हूँ ना मैंने इसमें लिखा भी था. ठीक है आप अगर लोकलाइज अगर उससे कर भी रहो इन्होंने आप लोगों के लेवल में देखो इन्होंने लिखा है फिंगर स्प्रिंग लेबियल बो लेकिन भी ऑल इट्स बेटर वो सही तो हो जाएगी लेकिन उसके बाद फिर भी आपको उसे परमानेंट रिटेनर देना ही देना है देन मैम बेस्ट केड़ो मतलब फिंगर शायद करो बीसीक्यू आयो होने लाए पूछा भाई न बेस्ट त तव्हांजो इहो इहो आहे न तव्हांजी लेबियल बोज ऐं माना फिंगर स्प्रिंग विद लेबियल बो इज़ द बेस्ट ऑप्शन अमंग दीज़ ओके थैंक यू मैम ओके और किसी को कोई सवाल पूछना है आप लोग उसे भी ये हमारा ऑर्थोडोंटिक्स की तरफ से लास्ट सेशन है तो उसके बाद ऑर्थो की क्लासेस नहीं होंगी तो आप लोग कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी नहीं आ रहा है तो ग्रुप पे पूछ लेना मैम बस आपने बहुत अच्छा पढ़ाया लोग की आगे कोई आप लोग फीडबैक दिया करो पता है आप लोग फीडबैक नहीं देते हो आप लोग फीडबैक दिया करो ताकि दूसरे को पता चले कि कितना गंदा पढ़ाया है नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा पढ़ाया हमने आपको बहुत तंग भी किया है मैं आपको बीच-बीच से मतलब बहुत बुलवाया नहीं 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 मजा तो यार इसी में आता है ना कि बंदा सवाल पूछे जी 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 ये आपका टैलेंट है कि आप बीच में हम इतना आपका सर खाते हैं और आप बीच में अपना मतलब डॉक्टर शिजा मैं पानी की बोतल बॉटल रख के बैठती हूँ हमने आपको मैं पानी भी सही से नहीं पी के लिए है ना आपको जैसे पानी पी रही सुप्राक्रेस्टल फाइब्रोडोमी ये जो प्रोसीजर है जब ये है तो फिर हम क्यों रिटेंशन करते हैं एक एक साल के लिए और लिमिटेड वगैरह ये सब क्यों करते हैं आप बेटा फिर से रिपीट करोगे अपना सवाल आपकी आवाज कट रही है हेलो मैम हेलो जी 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 बोले मैम CSF जो प्रोसीजर है सर्कमफ्रेंशियल सुप्राक्रेस्टल फाइब्रोटोमी जब ये है और कहते हैं कि मतलब इसको जब किया जाता है तो इसके बाद टेंशन की नीड नहीं होती फाइनल ईयर में थे शायद तब तो तो ये फिर ये डिटेंशन में हम परमानेंट इतना यानी कि साल 12 महीने या यार देखो ये तो आइडियल ट्रीटमेंट्स है ना कि CSF आप करो आपको अगर हम क्योंकि आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड ना कितने पेशेंट्स हैं जिनमें हम CSF करते होंगे कितने केसेस ऐसे हैं और इवन कभी-कभी पेशेंट भी मना कर देता है और इवन अगर आपने CSF बहुत ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें आप ये करो भी तो भी रोटेशन का रिलैप्स हो जाता है तो इट्स बेटर कि एटलीस्ट फॉर अ ईयर और टू और फाइव इयर्स आप उन्हें रिटेंशन जरूर दो अच्छा मैम ये जो डीप बाइट्स हैं या क्रॉस बाइट हैं क्या इसमें भी इसका फायदा है CSF का सॉरी डीप नहीं वो सिर्फ और सिर्फ आपको ना रोटेशंस में ये ज्यादा काम आता है जी और किसी का कोई सवाल
हेलो जरा मेरा हाल सोचे डॉक्टर शुजा जी 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 कोई डॉक्टर ना आप कैमोफ्लेज वाला थोड़ा रिपीट कर देंगे? आपने कुछ दो पॉइंट्स बताई थी वो मुझसे मिस हो गई है। क्लास टू और क्लास थ्री कैमोफ्लेज? जी 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 बेटा, क्लास टू कैमोफ्लेज में आप अपर फोर्स निकालते हो, दोनों फोर्स, अपर फोर्स लोअर फाइव्स, ठीक है? और क्लास थ्री कैमोफ्लेज में आप लोअर फोर अपर फाइव निकालते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अगर आप लोगों को ऑर्थो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप ग्रुप पे लिख सकते हो, और इंशाल्लाह वी ऑल आर हियर टू गाइड यू। सिर्फ ये नहीं कि आज के बाद ताल्लुक खत्म हो गया, मैं आप लोगों को पहचानूंगी नहीं, सो यू कैन आस्क मी एनीथिंग एनी टाइम। जी जी हेलो। जी 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 मैं सुन रही हूँ। मैम क्या आप औरतों के पास पेपर्स की तैयारी करवा सकती हैं? मैम ये डॉक्टर शुजा इसका बहुत बेहतर आंसर दे सकते हैं। प्लीज डॉक्टर शुजा मुझे मद्देनजर रखते हुए आंसर करिएगा। मैडम हम लोगों से बेजार हो चुकी है, इसलिए एक दो दिन छोड़ दें तो सब क्लास पेपर मैडम के ऊपर हम देखेंगे, वो आप फिक्र नहीं करें। यार वी विल डिस्कस इट आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों के सिर्फ नहीं बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। पता है मैं सिर्फ ये चाह रही थी बिकॉज मैंने आप लोगों के साथ शायद शेयर भी किया हो, मेरा खुद अपना एग्जाम है 8 फेब को, तो मैं ये चाह रही थी कि आप लोगों के लेक्चर्स में कंप्लीट कर पाऊँ, ताकि क्योंकि ये एक इंटायरली डिफरेंट चीज है वो के जो मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ी हूँ। हाँ सेम सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी ये बहुत बहुत ही बेसिक लेवल है, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है मुझे उसके लिए भी पढ़ना होता है, तो इसीलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि मेरे तीनों लेक्चर्स आप साथ रखो। और बाकी अभी आई थिंक ये सारी चीजें ना उस टाइम पे भी पता पड़ती हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के प्रोस्टो के सर्जरी के ऑपरेटिव के लेक्चर्स होते हैं, देखते हैं एंड में कितना टाइम बचता है, उस हिसाब से फिर अगर कभी लेक्चर की नीड हुई तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, और ग्रुप पे तो साथ है ही है, डोंट वरी हम भी आपका साथ नहीं छोड़े, आप भी नहीं छोड़िएगा, ठीक है? मैम एक सवाल है मैम, अपार्ट फ्रॉम दिस। जी 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 हाँ हाँ मैम, लंच में ऑर्थो के रेजिडेंसी कब आएंगे? उसके लिए आपको ऑर्थो की रेजिडेंसी कब आएगी? अभी शायद आए जनवरी में मैम, लेकिन एमएससी नहीं होगा, एफसीपीएससी होगा। जी जी मैम एफसी पे हाँ होगा, तो एफसीपीएससी होगा। अभी आए या जून में आए? अभी नहीं भी आए तो जून में। मैं आपसे इजाजत चाहूँ, आप मतलब मैं तो लीव कर रहा हूँ, मैं तो आपको बता दूँ, ठीक है? थैंक यू मैम। हाँ हाँ ठीक है ठीक। जी जी डॉक्टर शुजा ओके टेक केयर। जी 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 बेटा आप लोग डॉक्टर सना थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सना थैंक यू सो मच। हेलो जी जी थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द आप बोले आप सवाल पूछ लें फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ जो भी है। मैम मेरा बार बार कनेक्शन कट रहा था इसलिए मुझे आपसे दो क्वेश्चंस पूछने थे, वो रह गए थे। पहला ये कि हमें बहुत सारे जैसे फाइनल ईयर में हम पढ़ते हैं आर्च वायगी प्रॉपर्टीज, वो सारे चैप्टर्स होते हैं, पैलेटल एक्सपेंशन का बहुत लंबा टॉपिक था, वो सब चीजें मतलब इस एग्जाम से रिलेटेड इतना ज्यादा नहीं है, मतलब ये मैं पूछना चाह रही हूँ। बेटा सबसे पहले बात एक्सपेंशन में ना, मैंने इनको शायद बीच में ये बात बताई थी, एक्सपेंशन में यू जस्ट हैव टू मेमोराइज के रैपिड पैलेटल एक्सपेंशन आप कब करते हैं और उसमें क्या उसकी फोर्स लगती है और क्या उसकी एक्टिवेशन प्रोटोकॉल है और स्लो एक्सपेंशन में क्या प्रोटोकॉल है, दैट इज इट। डोंट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ एनी थिंग, मैं फिर बोल रही हूँ, ठीक है? और किसी भी चीज के लिए जी जी किसी भी चीज की बेटा डिटेल में नहीं जाओ बिकॉज इवेंचुअली यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। मैम बस ये जब आप एग्जाम मैम ये ऑर्थो का बस ये ना एनबीडी 2 और ऑक्सफोर्ड पढ़ लें इनफ है ना, और डेंटोजिस्ट को बीसीक्यू वगैरह करें, ऑर्थो के लिहाज से तो इतना काफी है ना मैम, आएंगे 3-4 बीसीक्यूज तो अगर बालाजी से जॉब में टॉपिक पढ़ाएं तो देखो मैं आपको बताऊं, मैं ये मेरे सारे लेक्चर रानी और बालाजी से मैंने टॉपिक्स उठाए क्योंकि उससे ज्यादा और ज्यादातर हमारे जो एग्जामिनर्स हैं इन बुक्स को ही प्रेफर करते,
इससे ज्यादा बाहर बात नहीं जाएगी. आप ये कोशिश करो कि आप लोग पास पेपर जितने एमसीक्यूज कर सकते हो जहां जहां के मिलते हैं ना, जी जी मैम, एमसीक्यू करो. भले थ्योरी इतनी करो नहीं करो, मैंने बहुत एमसीक्यूज किए थे. एंड आपको पता है मेरी विद नेगेटिव और सब चीजें हटा के मेरे टोटल मार्क्स थे 77 माशाल्लाह विद ऑल, मतलब सारी डिडक्शन के बाद. ठीक है, तो और आपको मैं ये वसूख से बता सकती हूँ बिना झूठ बोले हुए, क्योंकि मैं रेजिडेंसी कर रही थी. इंसान की अपनी हजार काम होते हैं. आप यकीन करो मैं 2 या 3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ती थी. वाओ, ये कौन है बंदा? मैं ना टॉपिक ढूंढो एमडीएस कर रहा हूं, मैं नो मैम मैं सर्जरी में कर रहा हूं ना, ये सरदार बेगम डेंटल कॉलेज में पिशावर में हूं मैं. अच्छा, तो ये जो है ना मैं भी साइनोसिस स्टार्ट कर रहा हूं ना. अच्छा, मेरा बेचारे परेशान होते हैं ना कि वो चल रहे, तो आप नहीं उनसे उनसे पूछना, उनसे जरा उनका दुख दर्द पूछना, और फिर आपको समझ आएगा कि मेरी जिंदगी में कितने ज्यादा दुख दर्द है बीइंग एन ऑर्थोडोंटिक ट्रेनी. मेरा टॉपिक है परसेप्शन ऑफ फेशियल प्रोफाइल अट्रैक्टिवनेस इन द पेशेंट रिपोर्टिंग एन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इन द पेशेंट रिपोर्टिंग एट टर्जरी केयर हॉस्पिटल. बेसिकली इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, क्वेश्चन बेस्ड स्टडी है. और मेरा साइनोप्सिस तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने, और आपको पता है मैंने अपनी रेजिडेंसी के 6 मंथ में अपना साइनोप्सिस जमा कराया था और वो अप्रूव भी हो गया था. सो इन चीजों के बारे में ख्याल रखो कि जल्दी कर लो. मैं बस अभी ना 3 महीने हो गए अभी, मतलब ढूंढ रहा हूँ साइनोप्सिस में कोई मतलब आसान सा मिल जाए तो उस पे मैं करूँ. कोई आप लोग पाकिस्तान ऑर्थोडोंटिक नहीं, लेकिन आप तो ऑर्थो के हो ही नहीं ना, ये जो पाकिस्तान के कुछ जर्नल्स होते हैं ना, तो आप उनसे देख सकते हैं. मेरी कजन है ना वो ऑर्थो में, तो वो पूछती रहती है कि टॉपिक तुमने ढूंढा, तो मैंने कहा नहीं यार मैं ऑर्थो का तुम्हारा कहाँ से टॉपिक ढूंढूंगा ना. नहीं तो वो उनको बोले पाकिस्तान ऑर्थोडोंटिक जर्नल है, उसमें उनको अच्छे टॉपिक्स मिल जाएंगे. और मैम सर्जरी का भी कुछ पता है कि मैं कहाँ से ढूंढूं मैम साइनोप्सिस? यार सर्जरी का ना वो आप अभी आप लोगों की डॉक्टर अरसलान आएंगे ना, जी वो जी. जरा उनसे आप ना कंसल्ट करिएगा, बिकॉज आई हैव नो आइडिया. आप लोगों के कुछ कुछ पाकिस्तान सर्जिकल के भी कुछ जर्नल्स होते होंगे, आप वो थोड़ा सर्च करो और उसमें टॉपिक वो रिसोर्सेज नहीं है बेसिकली. अच्छा, सही, हाँ, सही, सही. तो बेहतर यही है कि इंसान प्रैक्टिकल और फीजिबल ऑप्शंस की तरफ जाए एंड गो फॉर अ मोस्ट फीजिबल ऑप्शन. And this is what I would suggest. मैं अभी लम्स डॉक्टर जबार है ना? जी जी डॉक्टर जबार है. I'm his trainee basically. मैडम सुबू गनी ने छोड़ दिया कॉलेज, रिटायर हो गए वो. वो नहीं वो अभी इन चार्ज है, HOD अभी वही है मैम सुबू. सही 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 सही. मैं बस लम्स को मैं याद करते हैं बस, अच्छा बात गुजरा है वहाँ पे. चले मैम इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी जिंदगी रही. आपने तो फाइनल ईयर कब किया है? मैम मैंने फाइनल ईयर किया है 2017 में, राजा सिरस नाम है मेरा. तो मैं असल में ना आपने मुझसे नहीं पढ़ा है? नहीं आपने नहीं. अच्छा सही नहीं, सही ठीक है. नहीं नहीं ऑर्थो के क्योंकि हमने आप लोगों से जो जूनियर वो है ना, क्योंकि मैंने उनके ऑर्थो की लेक्चर्स भी लिए हैं और ओपीडी क्लासेस भी लिए. सही, हाँ, सही 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 मैम. ठीक ठीक है बेटा. और किसी का कोई सवाल कोई बात किसी को कह रही हो प्लीज फीडबैक जरूर दिया करो. आप लोग पता है मैम रानी बुक का नेम बता दे. रानी का यार रानी है. मैंने तो आज तक रानी सुना है, मेरे ख्याल से रानी ही है ना. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. ओके, दो बुक्स है ना, एक तो टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स है और दूसरी रिमूवेबल अप्लायंसेस की है, तो इस वजह से पूछ रही. नहीं 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 रिमूवेबल की नहीं है, मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक की होगी. ठीक है थैंक यू. टॉक्सना ऑन हमारे पास हम जी जी सवाल पूछे जो हम लेबियल बोज बनाते हैं, एक लॉन्ग होती है एक शॉर्ट होती है, तो यहाँ पे जैसे आपने लेबियल बोज मेंशन किया है तो जी जी बेटा आप आपकी आवाज कट रही थी, आप फिर से रिपीट करो अपना सवाल.
जैन तो अभी लीव करना चाहिए। और किसी को कोई बात तो नहीं पूछनी है? That's all? No. Yes, ma'am, it's all. ठीक है। मुझे नहीं पता इन लोगों को, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? आप लोग में से किसी को कोई सवाल नहीं पूछना है तो हम सेशन लीव कर दें? यस मैम कर दे मैम, बस अभी सबका लगता है। थैंक यू सो मच, हमें क्लियर हो गया मैम। ठीक, अल्लाह करके मैम। थैंक यू मैम। बस दुआ में याद रखिएगा, मेरा खुद भी एग्जाम है। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ कोऑपरेटिव स्टूडेंट्स आई गेस। आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत बर्दाश्त किया मुझे। ठीक है, आपने भी यार नहीं खैर है। ठीक है, इट वाज रियली लवली टू मीट एंड टू टीच ऑल ऑफ यू। मैं फिर बोल रही हूँ, लाइक योर सीनियर, योर लाइक योर टीचर और व्हाट एवर यू कैन कॉल मी। आप लोग कभी भी कोई ऑर्थो से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड किसी भी चीज की के बारे में कोई सवाल हो, कोई भी, यू कैन पर्सनली आस्क मी। आई एम ऑलवेज ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना कि अगर आज मैम सना ने बस छोड़ा है तो उसके बाद तो ग्रुप लेफ्ट कर देंगी, चली जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर ऑलवेज अवेलेबल, स्पेशली आई कैन से दिस अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और कभी भी कोई चीज पूछनी हो यू कैन आस्क मी। आई थिंक ग्रुप में मैंने कल इतनी सारी फाइल शेयर की थी तो मेरा नंबर भी आप लोग ने देख लिया होगा।